दो आप देख चुके हैं एक में एज अ ग्राफिक डिजाइनर सिनेरियो रखा दूसरे वाले सैंपल में एज अ वेब डेवलपर सिनेरियो रखा अब इस वाले सैंपल में क्रिएटिव राइटर सो ऑल दोस क्रिएटिव राइटर इफ यू वांट टू एक्सेल एज अ फ्रीलांसर परहैप्स दिस इज समथिंग यू मे वांट टू इंटरेस्टिंगली यू नो कंसंट्रेट करें इस पर देखें गौर करें कॉपी पेस्ट ना करें सिर्फ समझें और इस सांचे को उठा उठाकर रेप्लीकेट दें क्योंकि मैं अब आपको जो बात बताने लगा हूं कुछ पैराग्राफ्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं जरूरी नहीं कि जो सीक्वेंस बताया गया है जो पैटर्न बताया गया आप उसी पैटर्न को फॉलो करो भाई आप कुछ पैटर्न ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ना हसबे जायका अपने जरूरत के मुताबिक तो ये स्क्रीन पर देखते हैं आइए स्टार्ट ऑफ कोर्स सैल्यूटेशन डियर क्लाइंट नीडलेस टू से क्लाइंट विल बी रिप्लेस विद द एक्चुअल नेम और अगर नहीं भी मिलता तो हेलो लिख दीजिएगा ग्रीटिंग्स लिख लीजिएगा जरूरी नहीं है कि डियर क्लाइंट ही लिखा जाए या डियर नाम ही लिखा जाए मैंने एक जेनेरिक मिसाल दी है आप पे डिपेंडेंट है कि आप किस तरह पिच करना चाहते हैं अपने बिड रिस्पॉन्स को यू कुड यूज एनी वर्ड यू वुड लाइक आप लिखें हेलो ग्रीटिंग्स बस मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून और गुड नाइट ना कीजिएगा वो बहुत ह्यूमरस हो जाएगा और क्लाइंट भी हंसेगा से आपका रिस्पॉस देखें बिसाइड्स क्लिकिंग ऑन द क्रॉस एंड मूविंग टू द नेक्स्ट बेट क्योंकि उसको पता है कि अगर आपको ये बेसिक चीजों का अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग नहीं यूज करते तो आपका रिपॉस नहीं पड़ेगा uh, मैंने डायरेक्ट अप्रोच रखी है इस पर बट विद अ टच वो टच क्या है डिटेल से देखेंगे पहले पैराग्राफ में मैं बता कि मैं क्रिएटिव कंटेंट राइटर हूँ और मेरे पास एक साल का एक्सपीरियंस है और मैं क्या चार्ज करता हूँ देखिए जब तो मैंने आपको अभी स्टार्ट ऑफ द आ, वीडियो बोला है कि जरूरी नहीं कि आप पैरा की सीक्वेंस ऐसे ही रखें जैसे मैंने बताइए ट्राई कीजिएगा एंड इफ द रिस्पॉन्स यू नो इज़ लो इफ यू डू नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स तो आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं इनिशियली आप अपनी प्राइस पर आर बिट के स्टार्ट पे बता दीजिए लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता आगे चल के डिफरेंट बिट्स पे एज अ कॉन्टेंट राइटर तो खातीन उजाद दरखास्ती है कि इस प्राइस के एलिमेंट को नीचे ले जाइए बिट पर एज अ सरप्राइज रख लीजिए एज अ टच रख लीजिए बट कीप चेंजिंग योर बिट्स हमेशा जेनेरिक रिस्पॉन्स एक टेम्पलेट को लेकर अगर आप चलते रहोगे और समझोगे कि इस पर रिस्पॉस आएगा एन मुमकिन है कि एक वक्त आएगा कि आपको जरूरत पेश आएगी ट्विस्ट देने की अपने रिस्पॉन्स में उसको मॉडिफाई करने में सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर रिस्पांस जो है वो दूसरे रिस्पॉन्स से मुख्तिफ हो क्योंकि हर बिड भी तो दूसरी बिड से मुख्तलिफ होती है सारी बिड्स एक जैसी तो नहीं होते प्रोजेक्ट्स एक जैसे तो नहीं होते एक किसी प्रोजेक्ट में कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है और उसे अगले प्रोजेक्ट में कोई डिफरेंट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है तो फिर क्यों एक रिस्पांस रखा जाए हर प्रोजेक्ट को उसके हिसाब से रिस्पॉस देना बहुत जरूरी है अब मैंने बड़ी मज़ेदार बात की है यहाँ पे और अपने आपको सुपर मैन शो कर दिया तीसरे पैराग्राफ में मैंने कहा अगर आपने मुझे सेलेक्ट किया ना तो मैं इंशाल्लाह आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा मीट करूंगा आपकी जो है उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा और अपने आप को एज अ कॉम्पिटेंट क्रिएटिव राइटर और एक डेडिकेटेड रिसोर्स प्रूव करूंगा अभी देखिए ये वर्ड्स मैंने क्यों इंतखा किए हैं कि मैंने इन अल्फाज का चुनाव इसलिए किया कि मैं अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट शो करवाना चाहता हूँ प्रूव करवाना चाहता हूँ और मैं इम्प्लॉयर को बता रहा हूँ कि मुझे सिलेक्शन अवार्ड uh, देने के बाद सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऐसा हीरा आ जाएगा कि आपको कभी मायूसी नहीं होगी यू विल नॉट रिपेंट द डिसीजन यानी कि आपको अपने फैसले पे अफसोस नहीं होगा अगर आपने मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड किया अगर आप अपने बारे में बात नहीं करोगे कोई आपके बारे में बात नहीं करेगा एवरी नॉन देन बिड में रिस्पॉसिस में प्लीज बात जरूर कीजिए अपने बारे में कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ डेडिकेटेड रिसोर्स हूँ आई एम क्रिएटिव राइटर अगले पहले में देखते हैं जी चूंकि कॉन्टेंट राइटिंग एक ऐसी नीच है जिसपे एम्प्लॉयर जनरली दो तरीकों से आपको एसेस करता है एक तरीका तो यह है कि वो आपको कहे कि भाई वीडियो पे आ जाओ बात कर लेते हैं और दूसरा तरीका ये है कि वो आपके सैंपल्स देख ले अब अगर सैंपल्स दिखाने के बाद भी बात ना बने तो ज्यादा अच्छा तरीका तो ये है ना कि आप उसको विलिंगनेस शो करें कि आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट एमिंग गोल इज टू विन योर प्रोजेक्ट आप मुझे अवॉर्ड कीजिए लेकिन अगर आप नहीं समझते कि अवार्ड के लिए अभी आप रेडी नहीं है अभी आप फैसला नहीं ले सकते या आप ये नहीं समझते कि आई एम दी हंड्रेड परसेंट राइट चॉइस फॉर योर प्रोजेक्ट आप मुझे टेस्ट आउट कीजिए भाई मैं विलिंगनेस शो कर रहा हूं मैं विलिंग हूं मैं आ, अमादा हूं इस बात पर कि मैं आपके लिए दो पैराग्राफ एज ए कॉन्टेंट राइटर लिखना चाहता हूं और मैं यह भी समझता हूं कि मैं फ्री में लिख रहा हूं अगर आपको मेरा लिखने का स्टाइल पसंद ना आए तो ठीक है कोई बात नहीं बट मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि अगर आपने मुझे चांस दिया बाय ओपनिंग पी एम बी तो मैं आपका सैंपल वर्क दिखा के प्रोजेक्ट अवार्ड ले लूंगा फिर आगे मैं कह रहा हूं कि जना आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड कैन वर्क बने फ्राइडे अगेन मैं अपनी लिए बात करूं अपनी पॉजिटिविटी की बात करूं अपनी अप्रोच की बात करूँ अपनी स्ट्रेंथ की बात करूँ मैं इतना पॉजिटिव दिखा रहा हूं अपना अप्रोच अपनी बिट से कि भाई आप बस काम दें मैं ये नहीं रहा आ, मैं मुझे काम दे मैं 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 मर रहा हूं मैं हूं भूखा नहीं इक्वल टर्म्स पे आया हूं और मैं बता रहा हूं कि आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इफ यू वांट टू टेस्ट टेस्ट इट आउट आउट आप कीजिए ना मैं आपको फ्री सैंपल दो पैराग्राफ एज अ कंटेंट राइटर देने के लिए तैयार हूं इस पर मैं विलिंगनेस शो कर रहा हूं आपको पता लग जाएगा कि आपने किस रिसोर्स को हायर करना है और कैसे हायर करना है और उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं उसके अंदर क्या खसूसियात हैं है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है बट ये सारी बात का किस लिए करें सारी बात इसलिए करें कि कियर क्या खोलेगा पी एम बी देर यू आर मैसेज बोर्ड की तो कहानी है उसी के लिए तो ये सारी जो है वो रिस्पांसिस को मॉडिफाई करते हैं उसके लिए तो मिन्नतें समझे लेकिन पॉजिटिव रहते हुए करते हैं तो यही अप्रोच है एज अ कॉन्टेंट राइटर इनिशली अगर रिस्पॉन्स ना है तो जो बिड प्राइस ऊपर अपनी दी हुई है प्राइज दी हुई है उसको नीचे ले जाइए मेन मुमकिन है आप इफ यू टू हैव कन्वर्सेशन आई एम एम एवेलेबल स्टाइप उसके बाद दी दीजिए कन्वर्सेशन ज्यादा जरूर है कॉन्टेंट राइटर को देखने के लिए तो जरूरी है ना कि वो कैसा बोलता है कैसा लिखता है कम्यूनिकेशन तो स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंटें हैं और बारह इस बात महसाइज करता हूँ यू वॉन्ट टू बी अ गुड कंटेंट राइटर इफ्ट टू ए क्रिएटिव कॉन्टेंट राइटर अपनी कम्युनिकेशन के इंप्रूव कीजिए चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो स्पोकन uh, इंग्लिश हो फिर जनाब सेकंड लास्ट पहला में बता रहा हूँ यह देखिए मेरा पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो क्या होगा आपकी वेबसाइट का लिंक फॉर्ड स्लैश पोर्टफोलियो और उसके अंदर आप जो लिंक्स देना चाहते हैं वो दे दीजिए मैंने एक एक्साम्पल लिखा है अगर आपने दस लोगों के लिए क्रिएटिव राइटिंग की है कॉन्टेंट राइटिंग की है एज अ ब्लॉगर काम किया हुआ है आप दस का दस पेस्ट कर दीजिए एंड ऑफ कोर्स आई लुक फॉर टू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और फिर तमाम की तमाम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो फेसबुक लिंटन वेबसाइट एड्रेस ईमेल एड्रेस स्काइप आई मैं कोई मौका खोना नहीं चाहता कि एम्प्लॉयर ये कहे कि इसके साथ नहीं हो सका अफजल तो यही है बेस्ट तो यही है कि खातीन उस रात राबा वो करें पी एम बी से और वो करते भी पी एम बी से बिकॉज इम्प्लॉयर को भी पता होता है जब वो साइन अप करते हैं जब वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं तो एम फ्रीलांस एस मार्केट प्लेस डालती है कि अपनी कम्युनिकेशन पी एम बी के अंदर ही रखेगा क्योंकि अगर रात के किसी भी वजह से लड़ाई हो जाए आर्बिट्रेशन में बात चली जाए तो चलो यू कैन पुल दोज मैसेजेस एज अ डिफेंस सो पी एम बी बहुत जरूरी होता है बट अगर अगर आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल भी प्रोवाइड करते हैं तो कोई हर्ज नहीं मैं तो करता हूँ और मैं पिछले साल से करूँ आप ही कीजिए इट रियली हेल्प्स इन दोस्तों उम्मीद है बिडिंग सैम्पल्स बड़ी डिटेल्स से समझ लगी होगी आई एम वेरी हैप्पी टू सी दी असमेंट रिजल्ट सो फार माशा माशा ये थम्स अप ये बात हुई अब आप माशा तैयार हो चुके हैं टू गेट स्टार्टेड ए फ्री लेंसर एक से बढ़ के एक इन शाला रॉक करेगा फ्री लेंस मार्केट प्लेस को अपनी प्रेफरेबल फ्रीलैंस मार्केट प्लेस जो आपकी चॉइस होगी जो आपकी पसंद होगी हमने बिडिंग को बड़ा डिटेल्स से डिस्कस कर लिया आगे भी करेंगे लेकिन अगर आपको किसी बेड का रिस्पॉन्स आ गया फिर क्या करना है पी एम बी खोल गया अब आपको पी एम भी खोलवाने के इतने नुस्खे बता दिए डायरेक्ट रिस्पॉन्स एस्किंग अ क्वेश्चन गिविंग अ फ्री सैंपल और समथिंग ये सारी चीजें जो आपको बिग सैम्पल्स में बताई हैं समझाई हैं इनका मकसद ही यही है कि एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड खोले एक दफा पी एम बी खोल गया तो मैं आपको एक बात कई दफ़ा बोल चुका हूँ और फिर दोहरा दूँ हम पाकिस्तानी वैसे शेयर हैं माशाला कम्युनिकेशन स्किल में बट दैट डजन मीन यू शुड नॉट वर्क ऑन योर बिजनेस डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब यहाँ ही से तो पार्टी शुरू हुई है पार्टी शुरू इस तरह हुई है कि अगर आप एम्प्लॉयर को प्रॉपर रिस्पॉन्स ना दे सके अगर आपका जो पीएम बी का इनिशियल रिस्पॉन्स है वो तगड़ा ना हुआ वो वक्त पे ना हुआ उस पर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स प्रॉपर ना होए तो गेम को क्या होगा खत्म हो जाएगी और क्या होगा इंप्लॉयर ने किसी और के साथ दी पी तो एम बी खोलोगा खाली आप ही तो नहीं पूरे जान में तो जरूरी ये है कि एक दफा आए तो छोड़ना नहीं ये लोहेगा बाजू एक दफा आए तो छोड़ना नहीं है उसको घेरना है अपना लोहा मनवाना है और बताना है काम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे जैसा कोई नहीं है हम सा तो सामने आए लेकिन वो क्या पते हैं जो एक रिस्पॉन्स को इफेक्टिव बनवाती है हाउ टू क्राफ्ट एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स तीन बातें आपके समातो के नजर करता जाऊंगा उन तीन को फॉलो कीजिएगा बट दैट नॉट मीन यू शुड ओनली फॉलो ऑल दो थ्री पॉइंट्स कम अप विद योर इनोवेशन ये तो मेरी इनोवेशन है ना दस साल का मजमुआ मार्क हका के, के रिस्पॉन्स कैसे करना है जवाब कैसे देना है आप अपना तरीका कारूंगे मसाल के तौर पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ असला जनाब क्या हाल है हा अब आपने डिफरेंट रिस्पांस दिए किसी ने कहा वालेकुम सलाम मैं ठीक ठाक हूं एक ने कहा वालेकुम सलाम खैर है आपने कहा वालेकुम सलाम ठीक ठाक आप सुना है आपका क्या हाल है उन्होंने उल्टा मेरे से भी सवाल पूछ लिया वालेकुम वाले सलाम अल्लाह का फसल करम है हर एक रिस्पॉन्स मैसेज एक ही है खैरियत दरियाफ्त करना सिमिलरली पीएमबी में भी तीन जो मैं आपको पॉइंट uh, एलिमेंट्स बताने जा रहा हूं उनका मैसेज एक ही है बट यू कैन यूज इट डिफरेंटली यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू यूर चॉइस टू बिगिन विद ग्रीटिंग्स हैं हेलो ग्रीटिंग्स थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स

हमने एक बिट की और बिट के रिस्पॉन्स पे इंप्लॉय ने कहा कि यस आई वुड लाइक टू सी अ फ्री मॉकअप ये हो गया ऑफर वाली बात दूसरी बात क्या हो सकती है आपने सवाल पूछा था खुवातनजरा सवाल का जवाब मिल गया आपने पूछा क्या ऐसा है उसने कहा हाँ ऐसा ही है लेकिन और उसने अपने, अपने अल्फाज में लिख दिया तीसरी बात आपने कन्वर्सेशन इनिशिएट करने की ख्वाहिश का इजहार किया कैसे आपने कहा पे आ जाए बात हो सकती है उसने कहा हाँ भाई आ जाए पे बात हो सकती है अब बताओ आप क्या करोगे आप स्काइप का आईडी दोगे और आप ऐड करोगे तीनों बातें यही होगी शुक्रिया अदा है थैंक्स फॉर ओपनिंग जेस्चर तारीफ करनी है। और उसके बाद का उसके जवाब या उसके जो मकसद बयान किया है उसका रिस्पॉन्स मॉकअप की बात करता है तो मॉकअप का सवाल था ऑफर के नतीजे में एम्प्लॉयर ने रजामंदी जाहिर की तो आप पे अब लाजिम है कि आप अपनी कमिटमेंट को ऑनर करें बट विद अ टाइम फ्रेम एज वेल ठीक है ठीक है जी मैं मौकअप बनाने जा एग्री करता हूँ चौबीस अड़तालीस घंटे में आपको मौका मिल जाएगा टाइम फ्रेम दे दिया इससे क्या होगा इंप्लॉयर आपको जवाब देगा थैंक यू एशाम आई लुक फॉर्व टू य मौकअप इन ट्वेंटी फोर टू फोटी एट आवर्स दूसरा से नरियो लेते हैं ग्रीटिंग्स के बाद अगर वो सवाल का जवाब दे, दे देता है तो आप पर फिर लाजिम है कि आप ये लिखिए फाइन एफ आई विल फॉलो योर गाइडलाइंस और उस पर अगर आगे को सवाल बनता है तो पूछ लीजिए खतबती चलानी है ना चलाना है ना जितनी क्लैरिटी चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में वो मांग लीजिए पहले आपने एक सवाल पूछा था अपनी बेड में अब आप एक और सवाल पूछ लीजिए आपको जवाब आएगा उसके नतीजे में अगर कोई और सवाल बनता है तो पूछ लीजिए आपने अपनी कंफ्यूजन क्लियर करनी है द रीजन वाई यू एज क्वेश्चन इज बिकॉज यू वॉन्ट टू क्लियर कन्फ्यूजन और वो आपकी कंफ्यूजन क्लियर करा रहा है ही एज एन एम्प्लॉयर कि भाई आप बड़े सीरियस अपने काम में आपने एक लॉजिकल सवाल पूछा है इसको तो जवाब सबसे पहले दूंगा तीसरी बात आपने कम्युनिकेशन चैनल इनिशिएट करने की खाश का किया तो वो कहता है कि मेरा ये स्काइप आईडी है इसको एड कर लो अब आपके क्या लाज है आप लाजम आप स्काइप आईडी ऐड कीजिए और फॉरन उसको इनविटेशन भेजिए स्काइप से अगर उसने ई मेल किया तो फॉरन ई का जवाब दीजिए ये जहन में रहे कि कोशिश कीजिए कि जो कम्युनिकेशन पी से बाहर होती है उसको पी तो के, के अंदर आउट कर दीजिए मैं कंफर्टेबल हूँ सारी कम्युनिकेशन एट वन प्लेस करते हैं पी के अंदर ताकि हम अगर डाउन द रोड कोई सवाल हो कोई जवाब हो कोई तारीख से रिलेटेड इशू आ जाए कोई कन्वर्सेशन रिक्लेट आ जाए विकॉल फॉर बैक डेट्स और पता लगेगा कौन गलत है मैं यहाँ आप

उन पॉइंट्स को एड्रेस किया जो कि इंप्लॉयर्स ने इनिशिएट किए थे ओपन किए थे नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन हाउ शुड बी सबमिटेड सिनेरियोस देख लेते हैं मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूं बट अब चूंकि टॉपिक पीएम से रिलेटेड है आपको समझाना बहुत जरूरी है कि वट ऑफ जस्टर्स एंड रिस्पॉन्सेज फ्रीलैंस टिपिकली शो मैं अपने आपको आपके सामने एज ए सीनैरियो रख के पेश करता हूं और आप समझ लीजिएगा कि कौन सा जेस्टर सही है एक तो जनाब पी आ गया इंप्लॉयर ने कहा मुझे मौका चाहिए मिसाल के तौर पे फॉर डिस्कशन से शाम सर्वर हो गए चौड़ मुझे पी आया अभी देखना शाम को दोस्तों के साथ सैर करके आऊंगा उसके बाद इसको रिस्पॉन्स दूंगा शाम सर्वे साहब चले गए दोस्तों के साथ खुशी में फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर तो पहली दफ़ा जवाब आया दोस्तों को ले गए सैर सूर की चारे चार एक घंटे गुजर गए चार घंटे बाद आके रिस्पॉन्स दिया दूसरा सिनेरियो रिस्पॉन्स आया और मैंने ए एस ए पी रिस्पॉन्स का रिप्लाई किया वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूं रिस्पॉन्स का रिप्लाई किया पी में एम्प्लॉयर आप जब कम्युनिकेशन चैनल इनिशेट करता है और मैंने फॉरन एएसएपी का क्या मतलब है एज सून एज पॉसिबल भाई जितना मुझे जल्दी टाइम मिला तरीका कार मैं आपको बता चुका हूं कि आप अपने मोबाइल पे स्मार्टफोन पे एप्स इंस्टॉल कीजिए ई मेल क्लाइंट रखिए जब भी कोई पीएमबी का मैसेज आएगा तो आपको सबसे पहले ई मेल आएगी जब आपको ई मेल आएगी आप पे लाजिम है कि आप फ्रीलैंस मार्केट प्लेस पर एज ए फ्रीलैंस साइन बैक करें और इस पी एम बी की तरफ जाए जिसके जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको मैसेज आया है और उसको रिप्लाई करें दोनों सिनेरियो में क्या लगता है क्या है लगता सारों को एक ही बात है पर फिर भी कोताही हो जाती है कोताही इन खुशी दो घंटे बाद रिस्पॉन्स एक घंटे बाद रिस्पॉन्स अरे भाई इट इज रेस अगेंस्ट द टाइम मैं वर्ड क्या देके जा रहा हूं इस वीडियो में रेस अगेंस्ट द टाइम जो जीता वही सिकंदर वक्त की बात है गुजरा वक्त वापस नहीं आता आप चार घंटे बाद रिस्पॉन्स देना चाहते हैं जरूर दीजिए उन चार घंटों में स्टेटिस्टिकली प्रूवन है कि कोई भी फ्रीलैंस मार्केट प्लेस की डील इट टिपिकली बिगिन टू गेट फाइनलाइज्ड विद इन फर्स्ट हैफ़ एन आवर क्या वर्ड यूज किया मैंने वेद एन फर्स्ट हैफ एन आवर दस साल से काम कर रहा हूँ ओवर वन मिलियन यू एस डॉलर कमाए हैं टॉप रैंक रहा दो साल शो केसरा गुरु डॉट कॉम के होम पेज पे एज अ हॉल ऑफ फेम दो साल से ज्यादा मान लो सब मार खा के सीखा है आपको बड़े आसानी से बता लो रिस्पॉन्स यूँ होना चाहिए सोचना नहीं है इंतज़ार नहीं करना घंटे नहीं गुजारने अब इस पर सवाल यह पैदा होता है अगर आप लाद को सो रहे हैं क्या करें आपने वेट की हमने टाइमिंग्स की भी वीडियो पे बड़ी डिटेल से बात की कि किस वक्त पे बेड का रिस्पांस जाना चाहिए अब आपको तीन बजे रात के पी का मैसेज आ गया आप तो सो रहे हैं जनाब तो आप फजह के वक्त उठेंगे दो तीन घंटे का लैप्स हो गया ये आपके कंट्रोल में नहीं है इसलिए इससे परेशान नहीं होना मैं जो जिक्र कर रहा हूं जो नैरियो आपके सामने रखा दोस्तों वाला वो डिलिबरेट रिस्पॉन्स का था इट्स okay, ओके बट ज्यादा जरूरी यह है कि वैन यू सी द मैसेज रिप्लाई करें इंस्टेंटली और बताएं एम्प्लॉयर को कि जनाब आपने जो ख्वाहिश का जहा किया एज अ मौका या जो सवाल का जवाब दिया उस पर अगला सवाल या कम्युनिकेशन इन शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ कॉल ऑन स्काइप या मैसेजेज ऑन स्काइप उसका ख्वाहिश का ज़हार किया तो आप आपने लाजे में क्या बोल तमाम एस्पेक्ट्स का जवाब दें बट द वर्ड हेयर इज ए एस ए पी दिस इज हाउ अ रिस्पांस शुड बी सबमिटेड ऑन प्रोजेक्ट बेस्ट बोर्ड डू नॉट वेट फॉर आर्स इफ यू वेट फॉर आवर्स एम्प्लॉयर के पास भी इतना टाइम नहीं है अगर प्रोजेक्ट पोस्ट किया है तो इट बी इन हरी दे मस्ट बी नीडिंग इट एज सून एज यस्टरडे डे हो रही है ना कि कल तक आज का काम कैसे चाहिए था इंग्लिश की टर्म है जिसका मतलब है कि इतनी ज्यादा जरूरत थी एज यस्टरडे आई होप दैट मेक्स सेंस दोस्तों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया कि आपको किस तरह का रिस्पॉन्स करना चाहिए हमने ये सिनेरियो भी डिस्कस किया मैं आपको वीडियो में जैसे कि कि बता के आया हूं कितनी जल्दी जवाब देना चाहिए अब एक एलिमेंट जो कि हम थ्री कीज का एलिमेंट हमेशा से डिस्कस करते आए हैं में जिनकी वजह से रिस्पॉस जनरेट हो सकता है एम्प्लॉय की तरफ से और पीएम ओपन हो सकता है वो तीन सिनेरियो आपको अब तक तो रख चुके होंगे एक मौका ऑफर कर दो दो सवाल पूछ लो तीन कम्युनिकेशन चैनल की इनिशिएशन का इजहार कर दो कि जनाब पे आ जाओ जनाब रिज्यूमिंगली आपका एक पी एम भी है जब वो ओपन होता है और उस पर डिस्कशन होती है लेकिन जब आप बिट देखते हैं तो एन मुमकिन है कि आपने फ्री मौकअप का जिक्र ना किया हो अब अगर आप मौका भी ऑफर कर दें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा बात तो वही है ना कि कितना इंटरेस्ट एक्साइट कर सकते हो कितना घेर सकते हो सो इन सच एस आई वुड एडवाइस यू इस्पेक्टिव ऑफ यू नीच इज इक्टिव ऑफ यू स्किल इस्पेक्टिव ऑफ द वर्क यू डू आपकी हर फील्ड के अंदर दोस्तों मौकअप बनता ही बनता है दो तीन घंटे लगाने से अगर दो तीन सौ डॉलर का प्रोजेक्ट मिल जाए बुरा चीजी बात है सिर्फ एक जस्चर दिखाने से चाहे आप वेब डेवलपर हो चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हो चाहे आप कंटेंट राइटर हो चाहे आप ई कॉमर्स क्रिएटिव राइटिंग डेटा एंट्री सो सो फॉर स्किल्स इन डिमांड ऑन मार्केट प्लेस हर एक का किसी ना किसी एस्पेक्ट पे सवाल और सवाल का मौका बनता है सो आई पर्सनली बिलीव मौका ऑफर करना बहुत जरूरी है इन अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस इससे एम्प्लॉयर को कंफर्टेबिलिटी मिलती है कि ये जो फ्रीलांसर है दे नो दे स्टाफ दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम ऑन समथिंग जिसका इनको मालूम है कि शायद पे बैक ना हो भाई इंप्लॉयर पे है ना आपने मौकअप ऑफर किया आपने मौकअप अब चौबीस अड़तालीस घंटे में कर भी लिया और उसके बाद आपका मौकअप या सैंपल देखने के बाद एम्प्लॉय करना पसंद नहीं आया और ना सही पसंद नहीं आया तो आपने तो जिससे दिखाया ना इतना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता चलूँ इस वीडियो में सत्तर फीसद सेवेंटी परसेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स एक्चुअली रिस्पेक्ट यूर डिसीजन ऑफ मौकअप एंड इवन इफ दे डू नॉट लाइक इट तो वो आपको सजेशन देते हैं बॉल ड्रॉप नहीं करते होते कम्युनिकेशन की वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस सैंपल में ये कमी पेशी है मेरी दरखास्त है कि अगर आप इसको रिवाइज कर दें तो हम देख लेते हैं आपको और क्या चाहिए ये तो ऑलमोस्ट एक वर्ड दे दिया एम्प्लॉयर ने कि यार आपका काम अच्छा है आपकी मेहनत अच्छी है थोड़ा आप ऑफ टॉपिक ऑफ रिडार हैं कोई मसला नहीं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं एज एन एम्प्लॉय इसको एंटरटेन कीजिए और एन मुमकिन है कि अगला सैंपल जो कि रिवाइज सैंपल होगा रिवाइज मौका होगा इन शाह के क्रम से एम्प्लॉयर को पसंद आ जाए और आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाए सो दिस इज वाई फ्री मॉकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्री सैम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट कहती नजरात पी एम बी में रिस्पॉन्स टाइम ड्यूरेशन मॉकअप की ऑफर और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड सब डिस्कशन अब एक और एस्पेक्ट जो आपका चांस एज अ फ्री लास्टर इंप्रूव कर सकता है टू विन द प्रोजेक्ट विन एज अडर ओवर अदर्स वो क्या चीज हो सकती है जो आपके चांसेस इंप्रूव कर सकती है अगर आप विलिंगनेस शो करें किसी भी काम में जनरल डे लाइफ में कि हाँ जी मैं ये काम करना जानता हूं और मैं ये काम करना चाहता हूं दो लोग बोलते ना जानना और चाहना तो आप क्या समझते हैं कि कितने चांस होते हैं आपको एज अ फेवरेबल पर्सनैलिटी जज करने के मेरे नज़दीक आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज यू आर शोइंग दिलिंगनेस मैं ये काम करना चाहता हूँ तो अगला आपको एक ऐसी इज़्ज़त की निगाह से देखता है कि भाई अगर ये इनिशिएटिव शो कर रहा है बंदा तो बंदे में कहीं ना कहीं दम जरूर है कहीं ना कहीं बात ऐसी ज़रूर है इसके अंदर कि ये सामने आके एकदम विलिंगनेस शो कर रहा है कि हाँ आई वॉन्ट डू इट सेव गोज फॉर फ्रीलैंस मार्केट प्लेस यूर विलिंगनेस टू डू अ टास्क बी एट्री मार्कअप बी एट एस्किंग ऑफर कुछ भी वो ये शो करती है कि आप सीरियस हैं एम्प्लॉयर का प्रोजेक्ट जीतने में ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक नया फिनमिना डिस्कवर किया है और वो ये है कि अगर आप एम्प्लॉयर को यह बताएँ कि आप एक इंटरव्यू देना चाहते हैं ऑन स्काइप या ऑन कॉल तो वो इस हैंडल पर आपके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यानी कि स्काइप का हैंडल या ये फोन नंबर जैसे मैंने आपको बताया ये अकलौता पॉइंट होती नजरत इतना इंक्रेजिंग है इतना मोटिवेटिंग है एम्प्लॉयर के लिए कि वो ये समझते हैं कि हाँ हमारे पास बहुत ज्यादा सवाल आते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है इतनी ज्यादा बिट के रिस्पॉसिस आए हैं इस पर्टिकुलर फ्री लैंसर ने कहा है कि मैं विलिंगनेस शो करता हूँ कैमरे के सामने आने की इंग्लिश में बात करने की रिमेंबर इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल बिजनेस लैंग्वेज यू हैव टू लर्न इट वक्त लगेगा मुझे समझ है अंदाज़ा है और फिक्र भी है इस बात की कि, कि आप पाकिस्तान के मुख्तु शहरों से ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन मुझे यह भी पता है कि हम क्रिएटिव राइटिंग का एक कोर्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं आप वो भी सीखिए आपके पास यूट्यूब है आपके पास लर्निंग के इतने होराइजन हैं कि उसमें कोई आ, मुश्किल बात नहीं है कि आप फ्री में इंटरनेट से अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हैं सो वन यू आर शोइंग शोइंगस एज अ फ्री लैंसर कि जहां मैं स्काइप या कॉल इंटरव्यू के लिए रेडी हूं एम्प्लॉयर पूछो जो सवाल पूछना है यकीन जानिए तजर्बे से बता रहा हूं आदि गेम इधर ही खत्म एम्प्लॉयर फॉरन हाँ करता है ठीक लेट्स सेटअप अ टाइम एंड लेट्स डू इट अब अगली बात जो एम्प्लॉयर ने टाइम दिया है अगर आप उस टाइम पर अवेलेबल हैं ये भी मैं आपको एक बात बताता चाहूंगा बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि इंप्लॉयर का जो वर्ड है वो हरूफ आखिर है नहीं अगर आपके पास उस टाइम स्लॉट में अवेलेबिलिटी नहीं है तो बताइए लेकिन बताइए जरूर अगर एम्प्लॉयर कहता है कि लेट्स हैव अ डिस्कशन एट 9 ए एम ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम ये पाकिस्तान के बनते हैं रात के 9 या 10 बेस्ड ऑन समर एंड विंटर टाइम डिफरेंसेस अगर तो आपने नहीं बताया कि आप अवेलेबल नहीं है और टाइम गुजर गया यकीन जानिए एम्प्लॉयर आपको कभी भी प्रोजेक्ट नहीं देगा इट इज कॉमन सेंस बिकॉज यू नॉट नॉन यूर वर्ड बट अगर आप ये नौ या दस बजे पाकिस्तानी टाइम पर अवेलेबल नहीं है आप इसके बाद अवेलेबल है पहले तो नहीं हो सकता जरा एम्प्लॉयर भी सो रहा है तो उसको फॉरन बता दीजिए हाउ हाउआउटेल्थ पी एम ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम यह होगा पाकिस्तान के ग्यारह या बारह बजे बहुत अच्छे लेकिन कमिटमेंट करने के बाद दोस्तों कमिटमेंट से नहीं हटना बिकॉज अगर आप कमिटमेंट ऑनलो नहीं करते तो एम्प्लॉयर इसको सीरियसनेस लैक ऑफ सीरियसनेस जुमरे में डालेगा और इट्स जस्ट लाइक एवरी अदर बिजनेस बिजनेस आई मीन व्हेन वी डू इफ समवन डज नॉट शो अप हम बात नहीं करते हम कारोबार नहीं करते उस पार्टी के साथ क्योंकि वो अपनी कमिटमेंट ऑनर नहीं कर करे था फ्रीलांस मार्केट प्लेस इट इज ऑल अबाउट कमिटमेंट तो आप तो कमिटमेंट दिखाइएगा और अपने आप को तो इंटरव्यू के लिए अवेलेबल कीजिए बिकॉज इंटरव्यू में अवेलेबिलिटी के बाद देखा यह गया है कि फिफ्टी परसेंट आपके चांस इंप्रूव हो जाते हैं फॉर गेटिंग हायर तो उस एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर दैट प्रोजेक्ट क्यों बिकॉज आपसे वो सवाल पूछेगा आप उस सवाल का जवाब देंगे

एक हरकत ऐसी भी कर लेनी चाहिए मैं ऐसी हरकत हरकतना से बिल्कुल नहीं करता बल्कि अगर एक किसी प्रोजेक्ट की प्राइस अच्छी है कोई हर्ज नहीं है तो अपना स्मार्टफोन उठाइए डायरेक्ट समी की तरह खड़े सेल्फी बनाने के बजाय उसको वीडियो रिकॉर्ड करने पर लगाइए एक मिनट पच्चीस मिनट मैक्सिमम लेंथ और उसके बाद उसको यूट्यूब पर अनलिस्टेड अपलोड कर आपको एक लिंक मिलेगा वो लिंक पी में डाल दीजिए और इंप्लॉयर को यह बताइए क्लाइंट यानी कि उसका जो भी नाम है आई you. YouTube यूट्यूब टू वॉच माई रिस्पॉन्स अब यूट्यूब कंफर्टेबिलिटी कि मिले कि कहीं आपने कोई हैकिंग लिंक तो नहीं दे दिया कहीं आपने कोई ऐसा लिंक तो नहीं दे दिया जिसको क्लिक करने से उनकी मशीन में वायरस आ जाए तो so ये बेहतर है क्लैरिफाई करना यूट्यूब एक वीडियो अपलोड किया आपके लिए रिस्पॉन्स डाला है वो देख लें अब सवाल ये पता होता है उस वीडियो में आप क्या बात करेंगे hmm. Us pure project ke mein, it typically starts with thank you very much, Aapne message, bheja. i'm grateful. thanks for opening pmb. i've gone through your project. it matches my expertise. i have x years of experience. i've worked with these, these, these industries. and uh, my clientele includes people and clients from us as well as from the rest of the world. i can do your project in x number of time, in yani weeks week, a month. and uh, if you're interested, i really want to give you a free markup so that you can judge my स्किल जज मा एबिलिटी और वि रिगार्डिंग दिस वीडियोज टू शो यू माइ कम्यूनिकेशन स्किल्स सो दट यू कैन अंडरस्टैंड दट डाउन द रो वी विल नॉट हैव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और फिर एम्प्लॉयर ने जो पी एम बी में बात की है चाहे वो सवाल का जवाब है चाहे वो मॉकअप की ऑफर एक्सेप्ट है या चाहे वो स्काइप का कम्युनिकेशन इनिशिएट करने की ओपन करने की बात हो तो इनका जवाब दी दीजिए कोई हज नहीं फाइनल आई एम विलिंग टू गिव यू फ्री मॉकअप इट वे टेक मी अराउंड थर्टी फोर टू फोर्टी एट आवर्स टू कम अपल एन आई होप यू लाइक इट अगर सवाल है तो सवाल का जवाब like तो मिल गया तो कहें पहुँच चुकी है मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया और आगे मेरा फर्दर सवाल यह है बाद से बात निकालनी है ना

हेल्प्स द राइट गाय फॉर माई जॉब सो डू नॉट ओवरलुक द इंपॉर्टेंस ऑफ विडियो इन द पी एम बी लेकिन यह जरूर बता देना यूट्यूब पर अपलोड किया है और इसी अपलोड किया है ताकि आपको कंफर्मेशन uh, मिल जाएगा भाई मैंने दिया वायरस नहीं भेज दिया आपको चेक कीजिए रिस्पॉस मेक श्योर लाइट अच्छी हो जैसे भी आप देख रहे हो मुझे मेक श्योर वॉइ अची हो जैसे आप अभी, अभी मुझे सुन रहे हो मेक श्योर कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो जैसे भी आप देख रहे हो मुझे आई होप यू गैट द पॉइंट एंड यू विल यूज इट डू नॉट यूज इट एवरी नॉन दिन आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बट बड़े प्रोजेक्ट्स पे तो लाजमी कीजिए और एवरी नॉन देन कभी कभी तो कोई हर्ज नहीं है इसको यूज करने में दोस्तों प्राइवेट मैसेज बोर्ड अब तक ये हुनर आपको समझ लग जाना चाहिए मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया कि मास्टर हो जाना चाहिए मास्टर आप तो होंगे जब आप प्रोजेक्ट्स का रिस्पॉन्स लेंगे और आप ये तमाम फॉर्मूले मैजिक ट्रिक्स अप्लाई करेंगे इन योर रिस्पॉन्स आई अंडरस्टैंड सम डेज वुड बी गुड सम डेज वॉट भी गुड कभी आप अच्छा करोगे कभी आप बेसिक गलतियां करोगे हमेशा याद रखना फ्रीलैंसिंग में एक्सेल करने के लिए जो बात ज़रूरी है जो बात काबिल गौर है वो ये कि अगर आपको रिस्पॉसिस नहीं मिलते अगर पी एम बी इनिशिएट हो गया और डाउन द रोड कम्युनिकेशन चैनल ड्रॉप हो गया भाई दो मैसेजेज एक्सचेंज हो गए आपके और employer के बीच में सडन एम्प्लॉय जस्ट वेंट साइलेंट कोई तो कोई वजह होगी कि एम्प्लॉयर ने ये फैसला किया है कि कम्युनिकेशन ड्रॉप करने का वो फैसला कुछ भी हो सकता है अपनी गलतियों को एनालाइज़ करना दुनिया में वही आदमी कामयाब होता है जो अपनी गलतियों को एनालाइज़ करता है सेम गोज़ फॉर फ्री लैंसर अगर कम्युनिकेशन चैनल ड्रॉप हुआ है तो अपनी गलती एनालाइज कीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर की होगी और अगर की तरफ से है और आपको अपनी गलती नजर नहीं आती तो खैर नहीं तो कोई और सही कोई और नहीं तो कोई और सही परेशानी की बात नहीं बट इमेजिन आप और एम्प्लॉयर दोनों में मुताबकत आ गई है बिजनेस अवार्ड हो गया आपको और उसके बाद समहाओ आधे रास्ते में चुप हो गया क्या गड़बड़ हुई कहाँ गलती हुई क्या कोताही हुई कम्युनिकेशन गई स्काइप पे स्टोरी सारा का सारा स्काइप पे पीएमबी में शुरू का एम्प्लॉय का मैसेज है और उसके बाद आपका है उसके नीचे जो स्काइप की इनफॉर्मेशन आपने दी थी अपना फोन नंबर दिया था उसके बाद से आप लोग पीएमबी से हट गए आपके पास एज एज्री लेंसर क्या प्रूफ है कि आप सही थे एम्प्लॉयर की तरफ से गलती है एम्प्लॉयर के पास क्या प्रूफ है कि एम्प्लॉयर सही था फ्री गलत है दोनों एस्पेक्ट पर जब गलती ना निकले तो वो प्रोजेक्ट कभी भी रिकवर नहीं होता अगर आप चाहते हो कि एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली फिनिश किया जाए तो दोस्तों मेरी दरखास्त यह है आपसे कि तमाम कम्युनिकेशन तमाम मैसेजेस फाइल्स जो कि आप मैसेजेस के साथलोड करते हो चीजें ही, ही रहनी चाहिए ई मेल पर नहीं जानी चाहिए ताकि डाउन द लोड अगर आप दोनों के बीच में कोई हो गया, और या, आपने देखना है कि आपने कितने अरसे में एक प्रोजेक्ट खत्म किया कम्युनिकेशन कैसी रही कि आप लोगों ने डेली बात की दिन में कितनी दफा बात की हफ्ते में कितनी दफा बात की पी के अंदर सारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए मेरी दरखास्त यह है कभी भी फ्री लेंस मार्केट प्लेस में यू एज ए फ्री लेंसर अपनी कम्युनिकेशन पी से बाहर ना लेके जाए ताकि अगर आप पे कोई इल्ज़ाम भी लगता है आप डेट के हिसाब से बता सकते हैं कि जना फलाने तारीख को फलाने मिनट में घंटे के ये रिकॉर्ड है आपके पास मेरे पाप इल्जाम कैसे लगा सकते हैं मैंने तो अपना काम खुशसलूबी से ईमानदारी से डेडिकेशन से कंप्लीट किया आप मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते बट ये बात आप तभी कर सकते हो ना दोस्तों अगर आपके पास रैकेट होगा अगर कम्युनिकेशन पी में होगी तमाम पी स्टोर करती है डेट्स के हिसाब से मैसेजेज तमाम पी स्टोर करती है टाइम एलोकेशन भी देती है उस दिन कितने बजे मैसेज किया वट डेल्स टू यू नीड ऑलवेज कीप योर ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट फाइल इन अ पी एम भी द मोमेंट यू गो आउटसाइड यूर पी एम बी एम्प्लॉयर विल टेक अ लिबर्टी टू एक्सप्लॉयट यू ये भी वक्त के साथ सीखा है मैंने बड़े बड़े क्लाइंटों ने यह लिबर्टी ली है कि अच्छा ये पी एम बी इससे हट गया अब हम इसे एक रुपए के अवस चार काम कराएंगे पहले एक रुपए में सिर्फ एक ही बात तय हुई थी एक ही काम तय हुआ था सो डू नॉट लेट एम्प्लॉयर एक्सप्लॉय यू यू शुड नो योर राइट्स एज अ फ्री लेंसर और इट शुड प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट बाय कीपिंग ऑल कम्युनिकेशन इन पी ये बहुत जरूरी है प्लीज अवॉइड कीजिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन को आपकी कम्युनिकेशन को देख रही है आप पी में ज़्यादातर फ्री को जो डर होता है मैंने लंबी सांस इसलिए ली कि बिल्कुल बेतुकी बात है लेकिन मुझे सुनने को बहुत मिलती है कि सर जैसे बाकी खबरें आती हैं कि इंफॉर्मेशन लीक होगी सोशल मीडिया में हमारी भी बातें फ्रीलांस मार्केट प्लेस का ओनर सुन सकता है उसमें हम अपनी इंपॉर्टेंट इफॉर्मेशन दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट है। इफॉर्मेश भाई अगर इतना ही डर है कॉन्ट्रैक्ट इफॉर्मेशन लीक होने का तो फ्रीलांसिंग तो फिर आपके लिए राइट right चॉइस नहीं है फ्रीलांसिंग का तो मक मकसद ही यही है कि आप अपने आपको एज अ बिजनेस एक्जेटिव प्रेजेंट करें और तब बिजनेस कार्ड्स भी एक्सचेंज होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मेशन भी होती है उसमें आपका नाम भी होता है उसमें आपका फोन नंबर भी होता है तो ये किस जमाने की बातें करते हैं बच्चे जो ये कहते हैं कि जनाब पी एम बी मनी मैसेज रखने चाहिए हम ज्यादा कंफर्टेबल है ई मेल्स पर नो दैट इज रॉन्ग कीप ऑल कम्युनिकेशन इन वन प्लेस फी एम बी दोस्तों आपने बड़ी डिटेल से पी एम आपने बड़ी डिटेल से प्रोफाइलिंग बिडिंग सब प्रीवियस वीडियोस में देख ली टू बिगिन विद बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो एस कर रहे हैं इसाइनमेंट एंड को जिसको आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ग्स इट मीनस कि आप तमाम वीडियोज़ को क्लोजली फॉलो कर रहे हो और एक अच्छी फाउंडेशन आपने ले डाउन कर ली है टू एक्सेल एज अ फ्री आंसर इन अल्लाह आपको कामयाबी दे और इनशाला आप कामयाब होंगे जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप और वो दोस्त जिस वीडियो पे जमा मार के आए हैं प्लीज़ मार के वापस चले जाएं क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं लगनी अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं आएंगे हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट अवार्ड की और हम बात करने जा रहे हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट अवार्ड दोस्तों क्या होता है जैसे कि अब तक आपको बिडिंग सैंपल्स है वीडियो से इतना अंदाजा हो गया होगा कि जब आप बिड करते हो तो दो मुमकिन आउटकम्स होते हैं पहला मुमकिन आउटकम कि एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड जिसको पीएमबी कहते हैं एब्रीवेशन वो इनिशिएट कर देगा और आपसे बात कर लेगा बेहतरीन बहुत अच्छी बात है जब पीएमबी खुलेगा तो गुफ्त तो शनीद का आगाज़ होगा कोई बात आप फ्लोट करेंगे कुछ बात एम्प्लॉयर अपनी तरफ से आप, आपको पूछेगा भेजेगा सवाल जवाब सिलसिला चल पड़ेगा पे आपकी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल आपकी कम्युनिकेशन स्किल दैट कम्स टू प्ले दूसरी मुमकिन बात क्या हो सकती है दूसरी मुमकिन बात है एम्प्लॉयर कहता है वाह इसने जो तीन फार्मूला बिड में अप्लाई किया विच कुड भी मॉकअप सेंट्रिक विच कुड बी क्वेश्चन सेंट्रिक विच कुड भी क्या कम्युनिकेशन सेंट्रिक बेहतरीन वो आपको डायरेक्ट अवार्ड कर करते बिल्कुल डायरेक्ट अवार्ड होता है अगर मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अपना दस साल फ्री लांसिंग करियर आपके सामने रखूँ डायरेक्ट अवार्ड्स के बारे में बताऊँ तो नो लेस देन फिफ्टी अवार्ड्स अलहमदुल्ला यानी कि मैंने बिड की और बगैर सवाल पूछे एम्प्लॉयर ने मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया चले जी प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया बहुत खुशी की बात है क्योंकि उसको कुछ बात अच्छी नजर आई होगी आपकी बिड में आपके पोर्टफोलियो में आपकी प्रोफाइल में आपके रिस्पॉन्स में आपके बिहेवियर में इन अड आफ्टर ऑल बिडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी राइट इट इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स राइट इट इज ऑल अबाउट योर बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स राइट जब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स मैटर्स अलॉट फर्स्ट रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए फर्स्ट रिस्पॉन्स कहां देना है प्रोजेक्ट अवार्ड का बटन एक्सेप्ट कैसे करना है कब करना है और क्यों करना है आइए इस, इस, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं देखिए एम्प्लॉयर ने आपको प्रोजेक्ट अवार्ड किया आप लाजिम है कि आप सबसे पहले अवार्ड एक्सेप्ट करने से भी पहले आप अपनी बिड को दोबारा रिव्यू कीजिए इसलिए कैन मुमकिन है कि जब आप नंबर्स पे फोकस कर रहे होते हैं बिड्स के तो आपने प्राइस शायद कम रख दी हो एन मुमकिन है कि आप जो रिक्वायरमेंट है उसको ओवरव्यू तो जाहिर है समझ गए होंगे बट उसको डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस ना करके गए हो तो आप पे लाजिम है कि आप एक दफा दोबारा प्रोजेक्ट प्लेसमेंट जो कि जोर ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया है और अपना रिस्पांस रिव्यू करें उसकी वजह यह है एक दफा प्रोजेक्ट अवार्ड एक्सेप्ट कर लिया टर्म्स एंड कंडीशन अगर म्यूचुअली हो तो रिवाइज होती है वरना नहीं होती बाइंडिंग कैसे सिंपल वर्ड एक फॉर्मुला बता रहा हूं मार्केट प्लेस एज अस एट्स एज अ ब्रिज बिटवीन फ्री लेंसर एंड एन एम्प्लॉयर अवार्ड एक्सेप्ट करने से पहले सबसे पहले अपना बिड रिस्पॉन्स रिव्यू कीजिए अवार्ड एक्सेप्ट करने से पहले एम्प्लॉयर का प्रोजेक्ट ब्रीफ पढ़िए उसके बाद फिर भी रश नहीं करना कि सीधा अवार्ड का बटन एक्सेप्ट करें प्राइवेट मैसेज बोर्ड पीएम बी पे जाएँ वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ओपन हो चुका होगा क्योंकि आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाए तो आपके लिए तमाम तो बंदिशें खुल जाती हैं इन वॉयस तक की भी तो आप तो आप बी में सबसे पहले तो शुक्रिया अदा कीजिए इंप्लॉयर का उसका आ, उसको टीसी दिखाइए कि जनाब आपने मुझे अवार्ड दिया विदाउट कम्यनिकेशन जैस वॉन्ट इंट्रोड्यूस माइसल मेरा नाम यह है मैं यही काम करता हूँ आपके प्रोजेक्ट के बारे में क्या हम स्काइप कन्वर्सन कर सकते हैं सवाल फेंकना अवार्ड का बटन एक्सेप्ट करने मेरे नजदीक ज़्यादा बेहतर है उससे ये होगा कि जब आप एम्प्लॉयर को स्काइप कन्वर्सेशन या वीडियो कन्वर्सेशन पे लेके आएंगे तो यू विल क्लैरिफाई ऑल कन्फ्यूजन ऑल क्वेश्चन यू मे हैव रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट एंड मुमकिन है कि स्काइप और वीडियो कन्वर्सेशन के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन थी वो आ, प्राइस को अफेक्ट करे अवार्ड एक्सेप्ट करने के बाद आप प्राइस ऑल्टर नहीं कर सकते बट आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ ऑल्टर जरूर कर सकते हैं जब मैंने इनिशियल बेट की थी जब आपका इनिशियल प्रोजेक्ट था इससे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी बट आपके साथ कन्वर्सेशन करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि ये ये काम एक्स्ट्रा है इसमें इतना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा और इसकी ये प्राइस है इज ऑल अबाउट यू नो टू थिंग्स एट द एंड ऑफ द डे दन दाइम लाइन टू फिनिश अ प्रोजेक्ट एंड द सेकंड इज द प्राइस फॉर दैट प्रोजेक्ट टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट सो मेरे नजदीक फर्स्ट रिस्पॉस इज मैंडेटरी फॉरन रिप्लाई कीजिए पीएमबी में उसका उसका शुक्रिया अदा कीजिए कर्टिस शो कीजिए और उससे सवाल पूछिए कि जनाब हमारी कन्वर्सेशन हो सकती है अगर तो वो कह के यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कन्वर्सेशन करने में एम्प्लॉयर की मर्जी है जी तो फिर बेहतर है कि आप फॉरन प्रोजेक्ट अवार्ड एक्सेप्ट करके अपना काम सिलसिला आगे चलाइए अवार्ड एक्सेप्ट करने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर खाती नजरत प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया आपको आपने वो इनिशियल स्टेप्स भी ले लिए कि क्या करना चाहिए वेन प्रोजेक्ट इज अवार्डेड मेरे नज़दीक मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे पहले कन्वर्सेशन करनी चाहिए बिकॉज एन मुमकिन है कि प्राइस में कुछ फर्क आ जाए टाइमलाइन में कुछ फर्क आ जाए फ्रीलांसिंग इज

फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर एक अपनी टेम्पलेट क्लाइंट के हवाले कर दिस भी एन भी हो सकती है मैं जनरली प्रेफर करता हूं एक एक्सेल फाइल जिसमें प्रोजेक्ट की टाइम लाइन और प्रोजेक्ट की प्राइस और प्रोजेक्ट की डेड ये चार चीजें क्या हुआ कंफ्यूजन टाइम और डेड की हाँ टाइम है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मुझे दो हफ्ते लगेंगे डेडलाइन है दो हफ्ते के बाद एंड इस दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो आपका दिल करे उस दिन प्रोजेक्ट डिलीवर करना है फोर्स ही करना पड़ता है आपको और ये सब कुछ आप अपनी एक कस्टमर इन्वायस में डालेंगे और पी प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड में इंप्लॉयर को कहेंगे कि जी आप इसको देख लीजिए याद रखिएगा कि यह स्टेप इसलिए जरूरी है कि कल इफ दिन इश्यू डाउन द रोड यू कैन पुल दैट अगेंस्ट एम्प्लॉयर बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रीलांस मार्केट प्लेस में इनकेस ऑफ एनी इश्यूज प्रॉब्लम्स आप यानी कि फ्री लांसर फॉल करता है तो जब आप और एज अ फ्री आपके पास प्रूफ नहीं है तो फिर काफ़ी मुश्किल काफ़ी दिक्कतें आपको डाउन द रोड फेस करना पड़ेंगी तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि प्रपोजल को अपने तौर पे क्रिएट करें एम्प्लॉयर को भेजें और उसे कहें कि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको वेट करके दे कि उस एग्री करता है कि नहीं करता उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस वॉय से और चूँकि प्राइस बिड में ऑलरेडी जाती है टाइम लाइन बिड में ऑलरेडी जाता है तो क्लाइंट को क्या ऑब्जेक्शन होना है बट आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रह जाता है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कैसे आपके काम आएगा आई विल एक्सप्लेन दैट डाउन द रोड ये इन पैटर्न परेशान होने की जरूरत नहीं है ये किसी किस्म का हो सकता है अगर आप गूगल करेंगे पैटर्न तो आपको नजर आएंगे सिंपल गूगल सर्च करने से मैं जो टेम्पलेट यूज करता हूँ तो वो मैं सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में आप एल से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको मिल जाएगी इस वीडियो के साथ बट ज्यादा अच्छा तरीका कार ये होगा कि आप अपनी वॉइस खुद क्रिएट कीजिए और वो प्रोजेक्ट अवार्ड होने के बाद फिल करके एम्प्लॉयर के हवाले कर दीजिए ई के थ्रू क्या ठीक है नहीं ई के थ्रू नहीं करना दोस्तों आपने पी में ही भिजवाना है ऑल कन्वर्सेशन Every documentary proof, every file needs to stay at शाबाश PMB. PMB ही वो चीज़ है अगर कल को आप कोई आईब्रो raise होगी आप पे कोई objection लगाएगा कोई इल्जाम लगाएगा, को लगाएगा आपने आराम से हंस के कहना है इस तारीख को मैंने ये काम किया था मेरे पे आप कैसे इल्ज़ लगा सकते हैं सेंगे इट इज नॉट मैडेट्री फॉर फीलान्स मार्केट प्लेस बट ये professional approach अप्रोच इसकी समझ बहुत late आई मुझे मार खा के तरीका कार आ, ये जो जादुई चाबी है बड़ी देर से समझ लगी वॉइस तक तो भी क्रिएट होती है फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर आपका documentary proof नहीं रहता Documentary proof जो है वह बहुत जरूरी होता है maintain करना आपके आगे भी काम आएगा ये कि जब आप फाइल रिटर्न करते हो तो यू कैन एक्चुअली गिव ऑल दी वॉय टू योर लॉयर एज वेल फॉर टैक्स रिटर्न और आप खुद भी कर सकते हैं आपका खैर आई कार्ड से ही सारे काम हो रहे हैं एन डी के टैक्स रिटर्न के फॉर एफ तो बहुत मैंडेटरी है इन वॉयस मेंटेन करना फॉर योर सेल्फ एज 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 वेल एज फॉर एम्प्लॉयर के डूंग इट खाती नजर प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया कम्युनिकेशन हो गई यू हैव सबमिटेड एन इन वॉयस इन प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड नाउ इज द टाइम टू सेट अप द पेमेंट ऑन अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस ये बड़ा आसान तरीका है मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा क्योंकि हर फ्रीलांस मार्केट प्लेस की एप्लीकेशन एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस दूसरे से वेरी करती है बट सिस्टम एक ही है कि जब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाए तो आप एस्क्रो रेस करते हैं एस्क्रो क्या होती है जरा गौर से सुनिएगा मैं अपना घर बेचना चाहता हूं आप मेरा घर खरीदना चाहते हैं हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते यहां पे एक बाउंडिंग फोर्स होती है जिसको कहते हैं स्टाम्प पेपर पुराने जमाने में क्या होता था पुराने जमाने में अगर कोई खरीदो फरोख्त होती थी तो एक थर्ड पार्टी जो कि रिस्पेक्टेबल ओल्ड सिटीजन होता था उस गांव का उस मोहल्ले का उसके पास पैसे जमा करा दिए जाते थे जब लेन देन हो जाए तो जिसने पैसे दिए हुए हैं वो उन बुजुर्ग को रिक्वेस्ट करता था कि बाबा जी सारे मामला सही हो गए अब आप इसके हकदार को पैसा दे दीजिए क्योंकि मैंने इनसे वो चीज खरीद ली है मॉडर्न डेज पेपर डज इट स्टैम्पेपर ड्रीलैंस मार्केट प्लेस द टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एस्क्रो ई एस सी आर ओ डब्ल्यू खाली कोरोना पढ़ लेना ई को टाके ई भी इंक्लूडेड है ठीक है ना एस्क्रो का मतलब ये है कि आप अपने पैसे एक थर्ड पार्टी को देते हैं एस्क्रो सर्विस थर्ड पार्टी होती है हर फ्री लांस मार्केट प्लेस करता है तो जब प्रोजेक्ट अवार्ड होता है तो आप इंप्लॉयर को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एस्क्रो की मैंने रेज कर दी है अब एक और मिसाल ले लेते हैं मैंने एक प्रोजेक्ट विन किया एज अ फ्री लांसर हंड्रेड डॉलर का अब सो डॉलर की मैंने इनवाइस रेज कर दी इंप्लायर को इंप्लॉयर ने इनवॉयस पे कर दी बट वो पैसे मेरे तक नहीं आएंगे वो पैसे फ्री मार्केट प्लेस को दिए जाएंगे ताकि वो जमानतन दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हिफाजत में रखे जाए बाई फ्रीलांस लांस मार्केट प्लेस अंडर एसक्रो ये जमानत है जो दोनों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते थे मुझे कंफर्मेशन मिल गई काम करो इंप्लॉयर को कंफर्मेशन मिल गई दिए नहीं अगर मैं आज पैसे और वो कल भाग जाए तो मैं उसको कहां से पकड़ूंगा मुझे एज्री लांसर क्या कंफर्मेशन है वर्क एंड गेट द जॉब डन मीट द माइल स्टोन अपना काम खत्म कर लूंगा एसक्रो तो रिलीज की रिक्वेस्ट भेज दूंगा टू द फ्री लांस मार्केट प्लेस एस रिलीज रिक्वेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस के पास जब पहुंच जाएगी तो वो इंप्लॉयर को कहेंगे कि एक रिक्वेस्ट आई है काम खत्म हो गया है कि नहीं हुआ इंप्लॉयर कहेगा का काम खत्म हो गया बटन दबाएगा अपने फ्रीलांस लांस मार्केट प्लेस के एम्प्लॉयर एडमिन से और आप तक आपके पैसे आपके अकाउंट में हिट हो जाएंगे डिडक्शन जरूर होती है दोस्तों ये ना समझना कि डिडक्शन नहीं होती फ्रीलांस लांस मार्केट प्लेस ब्रिज है विच असिस्ट और एड्स यू एंड द इंप्लॉयर तो वो जब एडिंग सर्विसेज दे रही है फैसिलिटी दे रही है आपको क्लाइंट लेके दे रही है तो जाहिर है वो अपने पैसे भी चार्ज करेगी ना तो दिस इज वॉट एस्क्रो इज ऑल अबाउट इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट वन यू विन प्रोजेक्ट ए फी एंसर प्रोपोजल देने के बाद जो एग्रीड प्राइस है एग्रीड टाइम लाइन है उसकी एस्क्रो रेस कर दें ताकि एम्प्लॉयर पैसे डिपॉजिट करा दे आपका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड फतीन प्रोजेक्ट अवार्ड का जो प्रोसेस है उम्मीद अब तक आपको डिटेल से समझ आ गया होगा या लग समझ गया होगा दोनों तो में से एक बात होगी बट सबसे ज्यादा मज़ा तो तब आएगा जब प्रोजेक्ट विन करोगे और फिर जब ये एक्चुअल प्रोसेस आप करोगे वो खुशी अनमैच्ड है उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जब आप ये प्रोसेस खुद करते हैं इसको एक्सपीरियंस करते हैं सो अल्लाह करे मेरी दुआ है आमीन जरूर बोलिएगा कि आपका प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी अवार्ड हो आपकी बिड्स एक्सेप्ट हो ताकि आप इस प्रोसेस को एक्सपीरियंस करें मुझे आज तक याद है जब मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था फिफ्टी और डॉलर्स थे खाली पचास लेकिन जो मुझे खुशी थी वो मैं बयान नहीं कर सकता और हाँ जो पहले पैसे मेरे पास आए थे वो मैंने फौरन जाके एज इट इज़ पूरे के पूरे अपनी वालदा को दे दिए थे इतनी खुशी थी मुझे यानी कहा अम्मी आप जाके अपना कोई सूट ले लें सो मेरी दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी जो है कोई प्रोजेक्ट अवार्ड एक्सेप्ट करें और आपको पैसे मिलें अपने काम खत्म करने के अब अवार्ड के बाद प्रोसेस क्या होता है एस्क्रो कर लिया आपने एस्क्रो इज़ एस ए जमानत जमानत है ना पुराने बाबा जी जिनके पास पैसे हैं जो जब तक नहीं देंगे जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा और दोनों पार्टी एग्री नहीं करते माइल सेट करना बहुत जरूरी है अगर आप सौ डॉलर का प्रोजेक्ट जीते हुए हैं अवार्ड हुआ हुआ है तो उस पर आपको माइल भी डिफाइन हो सकते हैं और माइल के बेस पे

पूरे के पूरे पैसे एस्क्रो में जमा करता है मुमुमन होता है ऐसी ही बट अगर उसकी मजबूरी है और अगर वो कहता है कि मैं हाफ ऑफ द मनी अभी डिपोजट करूँ सम टाइम लेटर आपका तालुक पहली इन वॉइस थर्टी थ्री परसेंट से तो आपको फिर भी पचास डॉलर डिपॉजट हुए एस्क्रो में तो आपको परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हर की मजबूरी होती है जब तक कि आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट है देर सवेर हो जाती है लेकिन आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहना चाहिए तो सौ डॉलर में से पहली इन वॉइस थर्टी की आपने रेज कर दी स्केच बना लिया फ्रीलांस मार्केट प्लेस को आपने रिक्वेस्ट भेजी फ्रीलांस मार्केट प्लेस ने इंप्लॉय को रिक्वेस्ट भेजी एम्प्लॉय ने प्रूव किया फ्रीलांस मार्केट प्लेस ने पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया दिस इज वट माई स्टोन बड़े प्रोजेक्ट्स के माइलस्टोन ज्यादा होते हैं छोटी प्राइस के प्रोजेक्ट्स के माइलस्टोन कम होते हैं मिसाल के तौर पे अमूमन 100 डॉलर के प्रोजेक्ट पे दो माइलस्टोन्स चलती हैं 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट इच पचास डॉलर और पचास डॉलर पचास डॉलर है थ्रू पचास डॉलर एट दी कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट बट अगर प्रोजेक्ट की वर्थ पांच पांच हजार डॉलर तक हो स्टार्टिंग फ्रॉम वन थाउजेंड डॉलर तो एक हजार और पांच हजार डॉलर के बीच में आप काफी ज्यादा माइलस्टोन्स रख सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट और वो रिलीज करवा सकते हैं वंस यू कंप्लीट और सक्सेसफुली फिनिश दैट पर्टिकुलर माइलस्टोन

तो आपने माइल का ख्याल जरूर रखना है क्योंकि उस बेस पे आपको मनी रिलीज होता है हर फ्रीलांस मार्केट प्लेस का सिस्टम जनरली नंद एक ही होता है और वो आपको माइल क्रिएट करने की एबिलिटी देती है सो प्लीज डू नॉट ओवर दैट आपका पैसा है आपकी मेहनत आपका टाइम है इग्नोरेंस इग्नोरेंसाइम इज अर्स अगर आपको नॉलेज नहीं है इस वीडियो का मकसद ही यही था कि आपको नॉलेज ट्रांसफॉर्म किया जाए आपको यह जानकारी दी जाए कि जनाब एस्क्रो के बाद के प्रोसेसेस क्या हैं, प्रोजेक्ट अवार्ड के बाद के प्रोसेसेस क्या हैं, वट यू शुड डू इफ प्रोजेक्ट इज अवॉर्डेड और मैं आपको अब आप डिटेल से बता के चला गया हूँ और आप आपने खुद ये प्रोसेस अप्लाई करना है इसके लिए मेरी तरफ से दुआ कि अल्लाह आपको एक प्रोजेक्ट जल्दी से अवॉर्ड करे आप जल्दी से जनाब कम्युनिकेशन करें इंप्लॉयर के साथ आप जल्दी से प्रपोजल भेजें आप जल्दी से एसक्रो की रिक्वेस्ट डालें और उसमें माइल डिफाइन करें और फिर आप अपना पहला डॉलर रिमेंबर इट इज़ ऑल अबाउट अर्निंग द फर्स्ट डॉलर मैंने वक्त के साथ सीखा टाइम के साथ सीखा है जो एक डॉलर कमा सकता है वो एक लाख डॉलर भी कमा सकता है आर यू ऑफ दोस्त होती नजरात माइल स्टोन्स एस्क्रोज अवार्ड बिडिंग, पीएमबी, और कहां कहां तक सुनोगे कहां कहां तक सुनाऊं, सब कुछ सीख लिया आपने और मुझे आपके कुछ से पता भी चला कि माशा योर गाइज आर एक्चुअली डूइंग वेरी वेल और इनशाला इन शाला आप लोग बहुत जल्द अपना काम खुद कर रहे होंगे यू विल इम्पॉरिंग योर सेल्फ यूल बी मेकिंग मनी और फिर मुझे ना भूल जाना उसद को ना भूल जाना जिसे सब कुछ सिखाया था अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो बच्चे मेरे सेशन you know, में सेमिनार्स में कॉन्फ्रेंसिस में वर्कशॉप्स में हमेशा मुझसे पूछते हैं पहले स्टेप का पता नहीं लेकिन आखिरी स्टेप पे पहुंचने का तो शौक हमें एज ए नेशन ही है ना शॉर्टकट जिंदाबाद और मुझसे जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर मैं अगर फ्री लांसिंग कर लूं तो मेरी तनख्वाह है बीस हजार रुपया हाउ मच मनी कैन मेक अच्छा हुआ कि इस वीडियो के तवसत से पूरे पाकिस्तान को पता लग जाएगा कि हाउ मच मनी यू कैन मेक एज फ्री लांसर चार सिनेरियोज आपके सामने रखूंगा बगैर किसी का नाम लिए लेकिन वो चारों सिनेरियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू गेट बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ पावरफुल यू आर एंड वट यू कैन बिकम एज अ सीजन फ्री लैंसर एज ए बिगनर मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जिसने मेरे सिर्फ दो ऑनलाइन सेशन लिए थे सियालकोट से ताल्लक एंड विद इन सिक्स मंथ्स उस जवान ने वेगन सुजुकी की खरीदी अपने पैसों से आ रही है चेहरे पे। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो दो साल काम करने के बाद अपनी जॉब को क्वेट कर गए और उनके साथ पाँच पाँच दस दस लोग एज देर एम्प्लॉई काम कर रहे हैं कितनी अच्छी बात है अल्लाह पाक ने उनको एक वसीला बना दिया कि वो और लोगों को मदद कर सकें उनके जरिए माश का वसीला बन सकें तो जनाब लिमिट क्या है लिमिट का जवाब स्काई इज द लिमिट अगर आप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे एक एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा कि आप जाके सर्च फॉर फ्री करिएगा जो भी हो चाहे वो अफवक हो चाहे वो गुरु डॉट कॉम हो चाहे वो फाइवर हो चाहे वो कोई भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस हो आप इंस्पायर हो जाएंगे कि मंथली फ्रीलांसर्स कितना अर्न करते हैं यू कैन अर्न रेंजिंग बिटवीन टेन और डॉलर टू टेन थाउजेंड डॉलर ईजिली बिल्कुल ईजिली सिर्फ मेहनत दरकार है मैंने अपनी पीक में बहुत काम किया और जाहिर है एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी भी मंथली जनरेट किया कंपनी भी बनाई लोगों को रोजगार भी दिए और मैं हंसी मजाक में लोगों को कहता हूँ कि अगर फ्रीलैंसिंग ना होती ना तो किसी ने मुझे दो एक हज़ार रुपये की भी नौकरी नहीं देनी थी जो काम दिल से किया जाए उसमें तरक्की ही तरक्की है पैसे की पीछे भागना एडवाइजेबल नहीं है मैंने अपने काम से लगन दिखाई मैंने मेहनत की मैंने दिन रात एक किया आई लिटरली स्लेप्ट अंडर द डेस्क लिटरली आई स्लैप्ट अंडर द डेस्क अगर आपका यह पैशन हो इज द लिमिट पैसे के पीछे अगर आप भागे कि जना मैंने एक्स नंबर ऑफ अमाउंट कमाना ही कमाना है यकीन जानो ऐसी झंझराटों में पड़ोगे कि आप फोकस नहीं कर पाओगे अपने काम से प्यार नहीं करोगे अपने काम से लगन नहीं दिखाओगे तो सबसे जरूरी यह है कि अपने काम से मोहब्बत की जाए खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका जरिया माश उनका शौक होता है अगर आप फ्रीलांसिंग का शौक रखते हैं जज्बा रखते हैं और आप काम की तरफ फोकस्ड हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस्ड है बिजनेस डेवलपमेंट स्किल पर फोकस्ड है आप चाहते हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लग जाए क्यों लगी हुई हो यू वॉन्ट टू बिकम अ स्टार इन डिमांड मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस दोबारा रिपीट कर रहा हूं मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस अगर आप कामयाब फ्रीलैंसर बन गए पैसा आपके कदम चूमेगा शर्त यह है कि अपने काम से लगन मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं पाकिस्तान के अंदर जो जॉबलेसनेस की डिसपॉइंटमेंट uh, शिकार थे चूला बंद हो गया था मैं एक दोनों बच्चे स्कूल से बाहर हैं किस मंथ लेटर वो खातून कॉन्टेंट राइटिंग करके ना सिर्फ उनके बच्चे स्कूल वापस चले गए बल्कि उन्होंने किराए का मकान भी लिया और अब इज्जत की जिंदगी गुजार के लिए अपने बच्चों के लिए उनके लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ फोकस ऑन योर वर्क लव योर वर्क इफ यू कैनॉट लव यो वर्क एंड यूर नॉट थिंकिंग अबाउट योर वर्क डे नाइट अगर आपका काम आपको बिस्तर से छंग मार के कंप्यूटर की तरफ नहीं लेके जाता सुबह के वक्त तो यकीन जाएंगे दर समिंग टू सेट योर प्रियोटीज राइट स्काई द लिमिट और मैं इन शाह इनशाला आपकी भी सक्सेस्ट स् मैं तो क्या पूरा पाकिस्तान देखेगा लेकिन उसके लिए शर्त है अपने काम से मोहब्बत अपने काम से प्यार अपने काम से लगन पैसा आ जाएगा स्काई इज द लिमिट इंशाला इतना कमाओगे कि बेतहाशा कमाओगे और हिसाब नहीं रहेगा बट पहले आपको समझो अपनी स्किल को समझो अपने आप को पॉलिश करो एंड यू बी एबल टू सक्सीड एज अ सिक्सर उम्मीद है ये मेरा मैसेज समझ लग गया होगा कि पैसे के पीछे नहीं भागना अपने काम से लगना शौक शो करना है एंड मनी विल कम टू यू अब सवाल ये पैदा होता है कि एज अ फ्रीलैंसर आपकी वर्थ क्या है और आप कितना पैसा चार्ज कर सकते हो यानी कि एक प्रोजेक्ट है उस पर डिफरेंट रेंज की बिड्स होती हैं बाई डिफरेंट फ्रीलैंस एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं लोगो डिजाइन है अब तक तो आपने हिफ्स कर, कर लिया होगा इस बात को सो डॉलर की एग्जांपल दे दे के बट सो डॉलर मैं अगर कमाता हूं एन मुमकिन अच्छे डिजाइनर हो आप दो सौ डॉलर कमाते हो हाँ आप भी एन मुमकिन आप खाली पच्चीस डॉलर कमाते डिफरेंट है हर एक प्राइस करती है बेस्ड ऑन वैल्यू बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन ऑनर स्किल्स किसी भी प्राइस को डिटर्मिन करने के लिए इन अ फ्रीलैंस मार्केट प्लेस एज अ फ्रीलेंसर तीन नुस्खे बता रहा हूं उन पर अमल करना स्टिकी नोट्स बना के अपने डेस्क पर रख देना मैं बात सिर्फ उसी वक्त बोलता हूं जहां पर इसकी इंपॉर्टेंस फेल्ट होती है नंबर वन

जो मुझे पता भी तक नहीं आते बट चलो बात कर लेते हैं क्या पता किसी भाई बच्चे ने जनाब मेरी बात को सीरियस लेके ट्यूटोरियल सीखे हो आई 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 टोल्ड यू दैट यूज्ड टू चैलेंज माय सेल्फ व्हेन वाज ग्रोइंग अप एज अ डिजाइनर ट्यूटोरियल देखा बारह घंटे तक वापस नहीं देखे उसको एक्ट करना है उसको क्रिएट करना है जब खराब होता था काम तो बारह घंटे अपने आप को जो है ना कोसता था क्यों नहीं गौर से सीखा इससे मेरी मेंटल स्ट्रेंथनेस आई इससे मेरी Uh, सीखने की एबिलिटी डबल हो गई सो स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर आप किसी भी काम में महारत हासिल कर लेंगे अगर आप किसी भी काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, uh, आप so, uh, you know, अगर आपको अपनी वर्थ और वैल्यू का पता है नथिंग लाइक इट अगर आप इस बात को समझते हैं कि जनाब मैं इस पर्टिकुलर रेंज का फ्रीलांसर हूं मैं इस पर्टिकुलर रेंज का काम कर सकता हूं मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक काम कर सकता हूं सो विद स्किल यू नो इन कम्स योर एक्सपीरियंस विच इज योर वर्थ कि जनाब मैंने अगर 10 साल काम किया हुआ तो आई आई एम समवन हु शुड बी चार्जिंग एट विल आई एम समवन हु शुड बी चार्जिंग गुड नंबर ऑफ डॉलर्स फर्स्ट ईयर आई यूज्ड टू चार्ज 50 और डॉलर्स एज अ फ्रीलांसर फॉर अ लोगो 2 इयर्स लेटर आई वाज चार्जिंग अराउंड 150 एज अ लोगो डिजाइनर 100 डॉर ज्यादा बिकॉज आई वॉन्ट इट पोर्टफोलियो मेरी रेंज में आ गया एक्सपीरियंस मेरे रेंज में आ गया मेरे पास अगले को दिखाने के लिए इतने सैंपल्स हैं

ज ए फ्रीलिंग अर्ली डेज एज एन इन्वेस्टमेंट सो थोड़ा सा ज़रा, और देखिए लोग है छोटी प्रोफाइल की वर्थ क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स क्या आप देखेंगे कि जब पोर्टफोलियो किसी का मुंह बोलता है बिल्कुल मुंह बोलता है ये वर्ड में बड़े जिम्मेदारी से आपके सामने रखे जा रहा हूं कि आप किसी का पोर्टफोलियो बाजो देखते हो खातीनोरा और मुंह से निकलता है वा

दोस्क जी फ्रीलांस मार्केट प्लेस का अकाउंट क्या होता है और आपका बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कैसे होगा भाई मैंने इससे मना किया था जंपे मार के एक से दूसरे पर ना जाएगा सीक्वेंस फॉलो की तो आप तो प्लीज वापस चले जाए और सीक्वेंस फॉलो करें और सीवेंस uh, फॉलो करना बहुत जरूरी है बट रियलीस देखिए स्टोरी आधा ग्लास पानी का भरा हुआ और आधा ग्लास पानी का खाली आप कुछ भी चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यमेंट बट वट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग एवरी फ्री लेंस मार्केट प्लेस

सवाल यह पैदा होता है कि कितने पैसे विड्रॉ किए जाए किस वक्त विड्रॉ किए जाए मेरे नज़दीक सबसे बेहतर तरीका यह कि अगर आपके अकाउंट में तकरीबन चार से कम पैसे हैं तो आप विड्रॉ ना किया करें आप अपने काम की तरफ फोकस करें देर सवेर हो जाएगी लेकिन एक दफा आपका जब सर्कल बन जाएगा ना चार सौ विड्रॉ करेंगे देर तक आप अगला काम खत्म करेंगे उसके चार सौ आ जाएंगे तो आपके सर्कल की बात जब रोटेट होना शुरू हो जाएगी यू विल नॉट फील द डिफरेंस शुरू में दिक्कत जरूर होगी बट एट द सेम टाइम चौका में जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर पंद्रह से पच्चीस डॉलर आपके डिडक्ट हो रहे हैं तो आपको जो तीन सौ बीस रुपए या तीन सौ मैंने देखा मैथ्स मेरा भी गलत हो सकता है तीन सौ बीस नहीं तीन सौ सत्तर तीन सौ पचहत्तर एट मोस्ट तो जनाब ये मनी आपका डिटेक्ट होकर अगर आप वायर में आ रहा है तो बेहतर है कि आप जरा आप्यूमलेटेड मनी रहने दें ज्यादा सम रहने दें सर्कल में आ जाएंगे पता भी नहीं लगेगा हम एक वक्त में ऐसे एज अ फ्रीलांसर ऐसे फेज पे आ जाते हैं कि आपका मनी सर्कुलेशन में आता है और आप आपकोलेट मनी विड्रॉ करते हैं मैंने तो बाजू का एक सर्कुलेशन पॉइंट पे हज़ार हज़ार डॉलर रखा होता था ठीक 930 से लेकर 960 ये रेंज होती थी ये मेरे अकाउंट में आ जाएगा विच इज़ फाइन इनफ ऑफकोर्स फैसिलिटेट करिए फ्रीलांस मार्केट प्लेस पैसा ले रही आपके एज अ जमानत आपके अकाउंट में पैसा लग रही है जिम्मेदारी आपके अकाउंट में आ रही है बट इज़ हम एंड डूइंग सो सो रिक्वेस्ट ये है कि एक्लेटेड मनी तक देखिए ये ना हो कि आप 40 डॉलर कमाएं और आप विड्रॉ कर लें और आप तक 15 डॉलर पहुंचे फिर आप बाद में परेशान हो जाए वेट फॉर एक्टर मनी एंड देन यू शुड विड्रॉ दैट टू योर बैंक पति नजरात ये वीडियो अगर मैं रेटिंग करूँ ना जितने भी वीडियोज आप देखते आ रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस टेन पॉइंट फाइव है टेन में से यानी कि पॉइंट फाइव मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है बिकॉज ये आपका क्लियर बना सकती है एज अ फ्री लेंसर मैं चाहता हूं इस वीडियो को दो दफा देखना हमें दिखाता है आज से पहले मैंने कभी ये बात की इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं माशाल्लाह आप में से कुछ फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो चुके कर चुके माशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग कमाना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह आप में से कुछ सोचना शुरू हो गए मेरा काम ये बिल्कुल सही तरीके से जो है ना वो मंजिल की तरफ चल रहा है टू क्रिएट पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हु कैन मेक मनी एंड एम्पावर गेट सेल्फ एम्प्लॉयड नौकरी के झंझट से बट इसका ये मतलब नहीं कि आप वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो फ्रीलांसिंग को परेशानी के तौर पर लें लेकिन जॉब वो ये वीडियो प्लीज दोबारा वॉच कीजिएगा क्योंकि ये आपका क्लियर बना देगी वाई यू शुड रेफर ऑल योर क्लाइंट्स टू अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस

एवर लास्टिंग रह गया इतना एवरलास्टिंग रह गया कि मुझे बिड भी नहीं करने पड़ती और इविटेशन आ जाती है प्रोजेक्ट की मजा तो ये है ना कि आपके पास सिर्फ काम है और रिक्वेस्ट आए और इम्प्लॉयर कह के भाई क्या क्या ये काम कर सकते हैं बिकॉज यू आर टॉपलेटेड फ्री लेंस यू आर हाई अर्निंग फ्री लैंस है यू वर्न दिस मच मनी सो एम श्योर यू मस्ट हैव डन समथिंग राइट आई एम श्योर यू मस्ट हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स भाई सारा काम अगर सही किया कम्युनिकेशन स्किल बहुत आला है बढ़िया है बिजनेस डेवलपमेंट स्किल बहुत आला है तो इसका मतलब तभी प्रोफाइल बड़ी होगी लेकिन वो हुई कैसे आइए मैं आज आपके साथ वो नुस्खा बता रहा हूं वो शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग यूज करते हैं बिकॉज वो डरते हैं पाकिस्तान में लोग परेशानी करते हैं एंड मुमकिन है आने वाले वक्त में पेपल आज बट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो पाकिस्तान में अभी पेपल का ही करा बच्चे सवाल पूछते हैं पेपल कैसे काम करेगा पैसे पेपल में मैं उनको ये जवाब देता हूँ पेपैल को फिलहाल भूल जाइए अल्लाह करे मेरे वतन में पेपैल आए बट अभी तो नहीं है ना भूल जाइए जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं जो पैसा आपके पास आता है आप काइंडली उसको फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर एज एन एम्प्लॉय ले आइए यानी कि मेरे पास एक क्लाइंट आया है थ्रू सोशल मीडिया आई हैव यू नो टॉट यू द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया एज अ फ्रीलांसर अब सोशल मीडिया से मेरे पास क्लाइंट आया और मेरे पास पे पैल नहीं है तो मैं क्या करता हूं और क्या करता आया हूं मैं उस क्लाइंट को लेकर आता था एज एन एम्प्लॉयर ऑन गुरु डॉट कॉम फ्री लेंस मार्केट प्लेस वेर आई हैव वर्क फॉर ओवर टेन ईयर आई हैव अर्न ओवर वन मिलियन यूज डॉलर आप सबको पता है इस बात का uh, पैसे की रिकग्निशन बताने का मकसद ही मकसद ये है प्रोफाइल बड़ी कैसे होती है ये समझाना चाहता हूँ मैं उन क्लाइंट्स को एज एप्लॉयर साइन अप कराता था एज अ फ्रज अ फ्री लैं मार्केट प्लेस एम्प्लॉय एम्प्लॉयर पोस्ट करवाता था प्रोजेक्ट पोस्ट करने के बाद मैं एज अ फ्रीलैंसर बेट करता था एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट अवार्ड करता था मैं प्रपोजल भेज के माइल स्टोन सेटअप करता था एम्प्लॉयर पैसे रिलीज कर देता था तो वो प्रोजेक्ट्स जो मैं इर्दिर्द से कर सकता था और मेरे जेन में ये सवाल भी आ सकता था कि जनाब मैं डिडक्शन अवॉइड करता हूँ फ्रीलांस मार्केट प्लेस एट्स एज ब्र ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड फ्रीलांसर तो जनाब अगर मैंने आपका सो डॉलर का प्रोजेक्ट किया तो मुझे मिलेंगे तो तकरीबन तिरानवे चौरानवे डॉलर ही ना छह डॉलर तो ट्रांजेक्शन फीस कट जाती है अगर मैं पेपल पे मनी लेकर जाता हूँ वो पूरे सौ के सौ डॉर मिल सकते हैं बट ये नहीं गौर करता कोई तमाम प्रोजेक्ट्स और उनका पैसा फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर डालने से फायदा क्या होता है फायदा यह होता है कि आपकी अक्यूलेटेड अर्निंग बढ़ जाती है आपकी फीडबैक हो जाती है दो बातें और फ्रीलैंसर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह सकता अगर जिसमे खून के मुतादिफ की बात मैंने की है तो इसका मतलब कि जो भी आएगा वो कहगा वाह इसने तो पैसे कमाए जो भी आएगा कहेगा वाह इसको तो फीडबैक भी मिली हुई है अच्छी डाइवर्सिफाइड फीडबैक मिली हुई है डिफरेंट प्रोजेक्ट किए एक लैंड की तरफ से नहीं मिली हुई दिस इंक्रीज द वैल्यू दिस इंक्रीज वर्थ ऑफ योर फ्रीलैंस प्रोफाइल रातों रात स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाता है सिर्फ इस वजह से आप वो तमाम क्लाइंट जो आपके साथ डायरेक्ट थे जिनके साथ आप काम कर रहे थे उनको आप इंडिपेंडेंटली पैसा ले रहे थे लेकिन वो फ्रीलांस प्रोफाइल में शो नहीं करते मिसाली तौर पर भी आप पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी के लिए काम करते हैं उसको भी कही है कि मुझे वायर ट्रांसफर नहीं चाहिए प्रोजेक्ट पोस्ट कीजिए मुझे पैसे दीजिए अपने कार्ड से और मेरे तक पैसे आ जाएंगे मेरी प्रोफाइल की वर्थ पड़ेगी बिकॉज इट विल शो दुलेटेड मनी इट विल शो द फीडबैक फीडबैक आपका राइट है फंडामेंटल राइट right. इसको समझिएगा जब आपको पैसे मिले किसी इंप्लॉयर से तो उसके कान खा जाइएगा कि मैंने आपके लिए काम कैसा किया आई होप यू सेफाइड कर मुझे फीडबैक दीजिए आप भी फीडबैक दे सकते हैं एज अ टू एम्प्लॉयर यू फिनिश प्रोजेक्ट काम सक्सेसफुल खत्म किया तो आप जब पैसे ले लेते हैं अपने काम के अवस, तो आप इंप्लॉयर को फीडबैक देते हो आप अच्छी फीडबैक दो तो एक अच्छी गुडविल जनरेट होगी वो भी इन आपको अच्छी गुडविल देगा अच्छी फीडबैक देगा ये सब कुछ आपकी फ्रीलांस मार्केट प्लेस प्रोफाइल पे शो करता है मैं आया एज एन एम्प्लॉयर और आपका माशाल्लाह तमाम काम देख रहा हूँ पैसे देख रहा हूँ फीडबैक देख रहा हूँ तो क्या मैं इन टाच नहीं होगा आपसे बात करने के लिए भैया आपने इतने लोगों का काम किया है इतना पैसा कमा लिया इतनी फीडबैक अर्न कर ली कोई तो वजह होगी कि लोग आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं उनको ये थोड़ी पता है इंप्लॉयज़ को नहीं आने वाले कि आप अपना सारा का सारा काम फ्रीलांस मार्केट प्लेस के बाहर से उठा के फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर प्ले अपनी वर्त बढ़ाने के लिए एक वक्त आएगा कि जब सर्कल चल जाएगा तो आप इसकी इफादियत को समझोगे आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझोगे कि ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था पर हैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ एज अ फ्री लेंसर एंड दैट इज कि आप अपने तमाम क्लाइंट्स फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर आओ अपनी वर्थ बढ़ो एक्मेटेड मनी शो करो प्रोफाइल अर्निंग शो करो प्रोफाइल फीडबैक शो करो और जो जो डिडक्शन है ना ये सेकेंडरी हो जाएंगी जो लोग पेपर के चक्कर में होते हैं कि डिडक्शन बचा लें अरे तीन प्रोजेक्ट के पैसे ले लिए तो ये भी तो मुमकिन है चौथा प्रोजेक्ट खुद खुद अवार्ड हो जाए और उन तीनों प्रोजेक्ट की प्राइस से भी ज़्यादा हो वो प्रोजेक्ट क्योंकि फीडबैक शो हो रही है और क्योंकि अर्निंग शो हो रही है अगर जीरो पे स्टार्ट करोगे और प्रोजेक्ट नहीं है तो ज़ाहिर है चांसेस कम होते हैं ना तो दिस इज वाई आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग ऑल योर क्लाइंट्स टू योर फ्रीलांस मार्केट प्लेस रेज दी वर्थ आपकी प्रोफाइलिंग ग्रो करेगी उस प्रोफाइल ग्रो करने की वजह जो होगी वो ये होगी आपकी प्रोफाइल पर फीडबैक हो रही होगी हो हो जहां अर्निंग वहां फीडबैक सिंपल मैच है लेकिन इस सारी

इन सारी बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप बिट करते हो तो सिर्फ वही क्लाइंट आएगा जिसको बिट करने के रिस्पॉन्स में आप uh, आपका पोर्टफोलियो आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपकी डिस्क्रिप्शन आपकी वीडियो पर अच्छी लगेगी हाउ अबाउट गेटिंग एन इनफ्लक्स ऑफ एंड प्रोजेक्ट्स विदाउट बिटिंग ऑन द प्रोजेक्ट अच्छी बात है ना एक्साइटमेंट वाली बात है कि आप लीड्स ले लें आपको इविटेशन आए प्रोजेक्ट के और आप बिड भी नहीं कर रहे ये तभी होता है जब आपकी प्रोफाइल रेपुटेशन बढ़ जाती है और तो प्रोफाइल रेपुटेशन बढ़ती किस तरह है प्रोफाइल रेपुटेशन बढ़ती है आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट से आपकी नंबर ऑफ फीडबैक अगेंस्ट द प्रोजेक्ट्स के आपकी ओवरऑल uh, प्रोफाइल uh, की लुक एंड फील से सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में है कुछ चीज आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन जो आपके कंट्रोल में है वो उन बातों को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है अगर आप अच्छा प्रोफाइल बनाते हो अच्छी आपकी फ्रीलांस मार्केट प्लेस प्रोफाइल है बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं क्या बाहर से प्रोजेक्ट्स लेके आ गए और आपने उन प्रोजेक्ट्स को वॉर्ड करवाया उनके अगेंस्ट इनवास रेज की यू गॉट बेड पर जना आपको फीडबैक बहुत अच्छी मिली पांच में से पांच मिले मार्क्स. पांच ही मार्क्स होते बाए दरली फील एंड मार्केट प्लेस के बेस्ड ऑन द फोर डिफेंट पैरामीटर्स आपको ये बात अब तक अच्छे तरीके से मालूम है वो चार पैरामीटर्स के बट इनका अंदाज़ डायरेक्टली बेनिफिशरी आपकी प्रोफाइल होती है उसकी रेपोटेशन बढ़ती है अगर आप बिड नहीं करना चाहते एट दिन टाइम आप चाहते हैं जब आपको लीज और इन्विटेशन है वो एक ही सूरत में आती है अगर आपकी प्रोफाइल की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो प्रोफाइल रेपोटेशन बेस्ड ऑन द टू पैरामीटर्स विच एज दमाउट ऑफ मन यूर वर्न एंड एज द फीडबैक दिस इज

बेहतर आपका काम नजर आ रहा होगा जितनी बेहतर आपकी आ रही होगी जितनी बेहतर आपकी फीडबैक नजर होगी आपकी हाई होगी, है किसी ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया आप बिड थे अब आप बिड करने के बजाय सिर्फ इन्विटेशन देते हैं आपका प्रोजेक्ट करने का दिल करे आपकी एक्सपर्टीज मैच हो आपके फुल स्किल कमांड हो तो आप नंबर दीजिए दूसरा बड़ा एडवांटेज प्रोजेक्ट इन्विटेशन अगर आपकी रेपुटेशन प्रोफाइल की बहुत अच्छी होती है तो पी भी ऑटोमेटिकली खुल जाता है ये नहीं कि बिड करोगे उसको फसाने की कोशिश करोगे वो आपको पी खोलेगा और फिर बातचीत आगे चलेगी इन केस ऑफ प्रोजेक्ट इविटेशन बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल रेपुटेशन अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पर इविटेशन मिला है पीएम प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड ऑटोमेटिकली खुला होता है तो आप इन्विटेशन के बाद उसको मैसेज करें थैंक यू यार बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया और फिर आप अपनी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स को भ्रूक कर लाते हुए घेर लें लेंप्लॉयर को सो रेपुटेशन मैटर्स अलॉट और उसका कलौता तरीका यही है कि जो काम करें अच्छा करें और अपने तमाम प्रोजेक्ट्स तमाम क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करें उनको फ्रीलांस मार्केट प्लेस जिस पर आप काम करते हैं उस पे प्रोजेक्ट पोस्ट करें और आपको वॉट करें और वहीं पर पैसे रखें इन अ लॉन्ग रन इट विल बेनिफिट यू अलॉट मैं अब बिडिंग बहुत कम करता हूँ डायरेक्ट बिडिंग बेट तो वैसे भी करनी पड़ती है अगर इन्विटेशन आए लेकिन डायरेक्ट बिडिंग प्रोजेक्ट सर्च करना आई मीन यू आई फाइंड दिस इज नाउ मुझे इनविटेशन आता है मैं उस पर वेट करता हूँ पी एम ओपन करता हूँ एक अच्छा प्रोजेक्ट अगर है उसकी प्राइस है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो मैसेज भी देता हूँ दिस इज वेरी हेल्पफुल सो ट्राई टू बिल्ड योर प्रोफाइल रैपिड रेपी नोजरा प्रोफाइल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग योर प्रोजेक्ट्स एम्प्लॉयर्स इन साइड फीलान्स मार्केट प्लेस उनको कन्विंस करना कि तमाम का तमाम काम आपका एक पर्टिकुलर फ्रीलांस मार्केट प्लेस लेके आए ताकि रेपुटेशन बढ़ जाए चल ये सारी बात तो होगी रेपुटेशन से याद आया देखें ना बूढ़ा हो गया भूल जाता हूँ बात को रेपुटेशन से याद आया दोस्तों कि रेपुटेशन बिजनेस से होती है मनी से होती है फीडबैक से होती है बट रेपुटेशन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जेन में रह जाती हैं किसी चीज की टैग लाइन मिसाल के तौर पे लाहौर में ये वीडियो बना रहा हूँ टैगलाइन क्या है अगर कोई नॉर्मल बंदा बात लाहौर से रिलेटेड करे लाहौर लाहौर है इस्लामाबाद की बात करते हैं इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल इट्स अ टैगलाइन राइट सेम फॉर मलेशिया परहैप्स वी कैन टॉक अबाउट दिस टैगलाइन सिंस इट्स अ टूरिज्म कंट्री मलेशिया ट्रूली एशिया सिमिलरली बहुत सारे बेवरेजेस कोल्ड ड्रिंक्स आपको पता है मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा उनकी टैगलाइन आप बड़े अच्छे तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं बाजू तो ये होता है कि आप कंपनी का नाम बाद में याद करते हैं टैगलाइन आपको पहले याद आ जाती है सो दैट इज बिकॉज उन्होंने अपनी रेपुटेशन बिल्ड किया बेस्ड ऑन द टैगलाइन मेरी इंफॉर्मेशन की टैग लाइन है वी राइट टेक्नोलॉजीज वी राइट टेक्नोलॉजीज आर आई जी एस टी वाला नहीं डब्ल्यू आर आई टी ई वाला हम टेक्नोलॉजीज लिखते हैं क्योंकि सारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये सारे काम करती है अपने कारोबार की अपनी फ्रीलांस मार्केट प्लेस की अपनी प्रोफाइल की टैग लाइन जरूर सोचिए ये आपकी वो रिकॉग्निशन है जो डाउन द रोड आपको फेमस बनाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से सो थिंक अबाउट अ टैगलाइन फॉर योर प्रोफाइल जो कि आपके बिजनेस नाम के या आपके इंडिविजुअल नाम के अंडर आएगी और उसको वेयर करें प्राउडली इन योर पोर्टफोलियो ग्राफिक्स बना के हर पोर्टफोलियो के साथ वो टैग लाइन होनी चाहिए अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो जो वीडियो आप प्रोफाइल के लिए बनाओगे या जो वीडियो आप बिट करते हुए इन रिस्पॉन्स देंगे उस पर टैग लाइन जरूर होनी चाहिए सो वेयर योर टैग लाइन प्राउडली और uh, ये बड़ा जरूरी है कि आप थोड़ा टाइम लगाएं थोड़ी एनर्जी स्पेंड करें एंड कम अप विद अ लाइन फॉर योर बिजनेस खौती नजरत प्रोफाइल मैनेजमेंट आप बड़ा डिटेल्स से समझिए थैंक्स फॉर पुटिंग इन दी पोस्ट बहुत खुशी होती है सही जवाब दे के अभी भी बाजा थोड़ा थोड़ा अफसोस होता है कि जो बच्चे जो दोस्त थोड़ा गलत जवाब दे देते हैं बट दैट्स फाइन आई होप के आगे चल के आपके आंसर्स जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे uh, दरखास्त हमेशा यही करता हूँ कि प्लीज वॉच दी दीडियोज क्लोजली डिस्टेंस लर्निंग का फायदा यही है कि आपका जब दिल करें आप वीडियो बैक एंड फोर्थ प्ले करें दे, दे बे अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन वॉच द दीडियोज अगेन यही तो फायदा है ना रादर देन यू नो In a पे टीचर एक दफा आया और बता के चला गया कुछ समझ लगी कुछ नहीं, no uh, you know, uh, नहीं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स देख जाऊंगा जब भी आप किसी बेवरेज किसी ऑटोमोबिल किसी एयरलाइनर किसी बिग कंपनी के बारे में उनके जिक्र छता है उनका नाम आपके नजरों के सामने आता है लोगों तो जिम्मे आ जाता है अब वो लोगो वो है जो उनकी ब्रांड आइडेंटिटी है मिसाल के तौर पर मैं गुरु हूं बहुत ज्यादा दफा ऐसा हुआ है कि मेरा नाम लोगों का वो मेरे आ, जो पर्सनल आइडेंटिटी है शाम सरवर उसके आ, टेक ओवर कर जाता है मैं किसी सेमिनार में जाता हूँ वो गुरु है ये नहीं कहेंगे वो शाम सरवर है सेम गोज फॉर द लोगो एंड द ब्रांड आइडेंटिटी बिकॉज वैन इट टेक्स ओवर वैन इट बिकम्स फेमस तो वो आपकी रिकोगनीशन बन जाता है चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो खाने पीने की हो मशरूबा हो गाड़ी हो एयरलाइनर हो आ, मुल्क हो जैसे हम झंडों की बात करें अब झंडों में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिंबॉलिक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसी मुल्क की हालांकि नाम भी लिखा हुआ है अगर आप पाकिस्तान का नाम सामने आता है तो पाकिस्तान का झंडा भी तो सामने जेन में आता है ना और वो कलर्स भी जेन में आते हैं उसकी कंपोजिशन फ्लैग की वो भी जेन में आती है सेम गोज फॉर द कॉपोरेट आइडेंटिटी जो कि लोगो होता है लोगो और कॉपोरेट आइडेंटिटी इज जस्ट अ जनरल बिजनेस टर्म यूज्ड इन ऑर्डर टू ब्रांड योर बिजनेस तो कोशिश कीजिए कि आपका जो भी फ्रीलांस का प्रोफाइल है उसको कॉपरेट आइडेंटिटी जरूर दीजिए उसको एक लोगों के साथ जरूर मनसिलेक्ट कीजिए खाली नाम से ब्रांडिंग नहीं होती प्रोफाइल रेपुटेशन इन्हांस नहीं होती बहुत जरूरी है यू कम अप विद अ वेरी नाइस मॉडरेट अप्रोप्रिएट लुक एंड फील फॉर योर बिजनेस तो गुजारिश है, है कि एक ग्राफिक डिजाइनर हायर कर लीजिए अगर आप खुद ग्राफिक डिजाइनर नहीं है फाइवर पर ही जाइए एज एन एम्प्लॉयर हमने फाइवर को बहुत डिटेल से डिस्कस किया पांच डॉलर की किसी की सर्विस ले लीजिए आपको बेतहाशा सर्विसेज मिलेंगे ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो टू द फाइवर हिट द सर्च बटन लोगो डिजाइन ढूंढिए और आपके पास ये जो लिस्ट आ रही है तमाम के तमाम लोगो डिजाइनर्स की किसी एक को चूज कर लीजिए बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल अर्निंग्स एंड देयर फीडबैक उसके बाद उनको कुछ मशवरा दीजिए कुछ आइडिया दीजिए कि मैं अपनी कॉपरेट आइडेंटिटी मैं अपने लोगों के बारे में ये सोच रहा हूं ये कलर का इंतजाम होना चाहिए इस तरह की नंदरलेस लुक एंड फील होनी चाहिए कुछ सैंपल्स दे दीजिए ना कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए जो आपको लोगो किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी इंडस्ट्री की की, भी जो बड़ी कंपनी है या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो मैसेज सेंड क्रॉस कर दीजिए फ्री को लेट दैम कम अप विद आइडेंटिटी बेस्ड ऑन दैट इफ यू आर सेटिस्फाइड तो आप उसको खरीद लीजिए अगर आप मुतमिन नहीं है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब इस पर यह मोटिफिकेशन कर लो प्लीज आप पाकिस्तान से एज एन एम्प्लॉयर साइन अप करोगे और पाकिस्तानी होने के नाते आप पे फर्ज है कि अगर आप किसी का ऑर्डर बाय करते हो उसको उसकी मेहनत की उजरत जरूर देना हदीस है कि मजदूर को उसके मेहनत की उजरत उसकी मजदूरी की उजरत पसीना खुश होने से पहले अदा करो ये बहुत जरूरी है ये ना हो कि आप सैंपल के आइडियाज ले लें ले और उसके बाद आप कहें कि बस ठीक है वही सैंपल कॉपी पेश करके एक जो कारोबार जो बिजनेस जो रिलेशनशिप स्टार्ट ही धोखे की बुनियाद पर होगा उसने आगे क्या एक्सल करना है क्या सक्सेसफुल होना है तो मेरी दरखास्त है कि जब सैंपल्स मिल जाए तो प्लीज़ बात आगे जरूर चलाइएगा आप भी तो एज अ फ्री लेंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आप अगर किसी को फ्री बॉकअप देते हैं या फ्री सैंपल देते हैं एज अ लोगो डिजाइनर एज अ कंटेंट राइटर एज अ वेब डेवलपर

मुझे यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशन थी वरना मैं हर जगह पे अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं ऑन माई लिंक फेसबुक डॉट कॉम स्लेश जो आप सामने आप मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं आपको मेरी बेतहाशा तस्वीर में बीइंग गुरु का लोगो नजर आएगा बिकॉज आई वेयर माई कॉपरेट आइडेंटिटी आई वेयर माई विद विद्राइट दिस बिकम्स योर रेपुटेशन अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल रखिए लेकिन उस रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरी uh, अफादियत है, है उनकी अफादियत को समझिए उनकी इंपॉर्टेंस को समझिए कम ऑफ दॉपरेट आइडेंटिटी कम द लोगो डिजाइन होती रात ब्रांडिंग इंपॉर्टेंस को हमने समझा बाई टेकिंग द फर्स्ट एलिमेंट विच वॉज लोगो डिज़ाइन इंपोर्टेंस क्रिएटिंग वेबसाइट वेबसाइट क्या है नहीं नहीं गम का दरिया नहीं है वेबसाइट ही तो सब कुछ है वेबसाइट ही तो है जिसमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगा वेबसाइट ही तो है जिसमें आपका पोर्टफोलियो होगा वेबसाइट है आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वेबसाइटी तो है जिसमें आपकी सर्विसिस तो के बारे में बताया जाएगा वेबसाइट इज यूर ब्रांड यू आर वेबसाइट अगर मैं ये कहूँ कि आप खुद वेबसाइट है तो यह गलत नहीं होगा वो कैसे कि जब आप अपने बिजनेस कार्ड लेके जाते हैं तो उसमें दो चार चीजें तो होती है नाम पता फोन नंबर वेबसाइट एड्रेस और ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस भी वेबसाइट एड्रेस भी होता है मिसाल के तौर पे बीन गुरु डॉट कॉम वेबसाइट एड्रेस हैल एड्रेस है सो देर फॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जनाब वेबसाइट क्यों होना जरूरी है अब वेबसाइट बनाएंगे कैसे ये भी एक बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है एक कंटेंट राइटर है उसको क्या पता वेबसाइट कैसे बनाते हैं अगर ग्राफिक डिजाइनर है उसको कैसे पता वेबसाइट ए होल्ड होल्डन फिफ मिनट अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो आपको वेबसाइट डिजाइन करना नहीं आती तो यू नीड टू लर्न दैट स्किल क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग और वेबसाइट डिजाइन को उन्नीस बीस का फ़र्क है हाँ है वही असल फर्क उन्नीस बीस का बट फर्क उन्नीस बीस का ही है अगर आप सीखना चाहें एज अ ग्राफिक डिजाइनर अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए आप आराम से एक दो हफ्ते में सीख सकते हैं यूबू पर भाड़ा फ्री की एजुकेशन लीजिए पर वो दोस्त जो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हाउ टू लर्न वेब डेवलपमेंट हम यहाँ डिजी स्किल्स में एक प्रोग्राम फ्लोट कर रहे हैं स्किल आपको सिखा रहे हैं वर्ड प्रेस की सीखिए इसी तरह का कोर्स है डिटेल से सीखिए और आप सेल्फ सफिशेंट हो जाएंगे खुद मुख्तार हो जाएंगे स्किल्ड हो जाएंगे ट अ वेबसाइट इन वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस बड़ा आसान तरीका होता है वेबसाइट डेवलपमेंट करने का वैसे तो मेरी दरखास्त अगर आप आग यूट्यूब तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेश मिल जाएगी बट अगर आपना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो यह कोर्स प्रेस का इंटरनेट लेट यू क्रिएट योर सबसाइट फॉर फ्री आप जाइए गूगल को यूज कीजिए और गूगल से सिर्फ इतना हाउ टू क्रिएट योर वेबसाइट फ्री आपके सामने बेतहां जिनको आप देख के आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो है ना पते की बात चेहरे पर मुस्कान लेके आए जो भी काम करना हो खुश रहना चाहिए जनाब आप जो वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी ऑपरेट आइडेंटिटी उसको रिफ्लेक्ट करेगी यानी कि मेरा लोगो है गुरु और मेरी वेबसाइट है बीमगुरु डॉट कॉम सेम गो फॉर योर बिजनेस ऑपरेट आइडेंटिटी एज वेल एज फॉर योर वेबसाइट तो गुजारिश ये है कि वेबसाइट बनाना बहुत जरूरी है और अगर आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती तो या तो ये गूगल का इस्तेमाल करके आप देखिए कि कैसे वेबसाइट बनाई जा सकती है और नहीं तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स लैंस फाइबर डॉट कॉम जिंदाबाद फाइवर का वैसे ज्यादा इस्तेमाल एज एम्प्लॉयर होता है ज्यादा फ्रीलेंस बट इसके मतलब नहीं फ्रीलेंस भी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और बेहाशा पाकिस्तानी फ्रीलेंस बहुत अच्छा कमा रहे हैं तो आप फाइबर पर जाइए और वेबसाइट को सर्च कीजिए सर्च करने का तरीका मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ देखिए कि वो गिग्स किस तरह की शो होती है उनमें देखिए कि अगर आपको कोई ऐसा फ्रीलेंसर है जो कि एक नॉमिलल प्राइस पे आपको वेबसाइट डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं तो आप उनको ऑर्डर दे दीजिए आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट विच इज एन इन्वेस्टमेंट टूर्स गोल आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस की आप जो भी कर रहे हो फ्रीलैंसिंग में चाहे वो प्रोफाइल है चाहे वो बिडिंग है चाहे वो वीडियो क्रिएशन है चाहे वो सैम्पलिंग है सब कुछ इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स है ब्रांड टू बिकम रिकग्नाइजल यही आ, आपका गोल है ना ऑब्जेक्टिव है यही गोल होता है तो हिशाम सरवर दो साल गुरु डॉट कॉम के होम पेज पे शो केस रहा अलॉन्ग साइड थ्री अदर अमेरिकन गोल था कि अपने मुल्क का नाम रोशन करना है गोल था कि अपनी ब्रांडिंग बनानी है गोल था कि जहाँ जाऊँ वहां पर जाके लोग मुझे पहचाने ब्रांडिंग मेरी आगे आ गई अब लोग शाम से ज्यादा गुरु को पहचानना शुरू मैं दिस भी टीशर्स एन मुमकिन ऑलरेडी जाते हैं बिकॉज मैंने इंपॉर्टेंट समझ थी कि अगर ब्रांड रेपुटेशन ब्रांड टेक्निशियन चाहिए तो उसके लिए कॉपरेट आइडेंटिटी उसके लिए वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है तो काइंडली अगर आप खुद बना लें बहुत अच्छी बात अगर आपसे नहीं बनती गो टू दाइवर डॉट कॉमर गट यूर वेबसाइट डेवलप बेस्ड ऑन योर प्रेफ्रेंस बे 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 बेड ऑन योर पियॉरिटीज़ीजी एंड इंक्लूड ऑल दट पोर्टफोलियो इन योर वेबसाइट टॉक अब योर सर्विस ऑन योर वेबसाइट टॉक अब जना कॉन्टेक्ट्स की तो इनफॉर्मेशन बहुत जुरी है ना ऑर्डर कैसे आएगा मैं कैसे तो उसको जानता हूँ जैसे वेबसाइट बनवाई और उसका ईमल एड्रेस गलत था, है कॉन्टेक्ट फॉर्म में पूरा साल इक्वायरी नहीं आई तो टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है वेबसाइट की खाली वेबसाइट बनाना ही मरला नहीं है यह भी बहुत जरूरी है कि उसके कॉन्टेट फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा अगर वर्ड प्रेस में बनिए और इशो्योर कीजिएगा आपको ईमेल आती हुए कि नहीं है और वो वो साहब पूरा साल मुझे जो है वो मेरे से इनफॉर्मेश मांगते रहे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ मुझे कभी कॉन्टैक्ट लीड इक्वायरी नहीं आई भाई कैसे आएगी जब आपका ईमेल एड्रेस ही गलत है बेसिक so चीज़ है इनको किसी प्रोफेशनल को करने दीजिए और अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है वो आ, एक मशहूर कहावत है सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार एक दफ़ा की हैसा काट लीजिए पैसे खर्च कर लीजिए किसी को हायर कर लीजिए उनका भी कारोबार चल जाएगा आपका भी बिजनेस बिल्ड हो जाएगा बट गेट अ वेबसाइट फॉर यूर दोस्तों ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस को आप काफ़ी डिटेल से समझ चुके हैं जिसमें ब्रांड आइडेंटिटी आता है जिसमें वेबसाइट आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर बिल्कुल पैसे नहीं है बहुत गरीब घरानी से ताल्लुक है वाले के हालात ठीक नहीं बट हम कुछ काम करना चाहते हैं एज फ्री लांसर लेकिन ये जो प्री है इज सच एज क्रिएटिंग अ वेबसाइट सर ये को फ्री तरीका बता दें जिससे हमारी वेबसाइट फ्री में बन जाए तो आ, दो तरीके मैं आपके सामने रख के जा रहा हूँ और आ, आप अगर उनको फॉलो करें तो आपकी वेबसाइट भी बन सकती है वो तमाम चीज़ें जो एक वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए लाइक सॉफ्ट सर्विस पोर्टफोलियो अबाउट यू कॉन्टैक्ट इफॉर्मेशन ये तमाम चीज़ें उस आ, फ्री वेबसाइट के अंदर इंक्लूड हो सकती हैं एक कैच है वो कैच ये है कि इससे पहले कि मैं आपको उन दो वेबसाइट्स के बारे में बताऊं क्या चाहिए है कि उन वेबसाइट्स की मशहूरी हो रही होती है या डोमेन नेम से या बैनर एडवर्टीजमेंट से डोमेन नेम इन द सेंस के डब्ल्यू 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 डॉट देयर वेबसाइट डॉट आपको डोमेन नहीं मिलती रीडायरेक्ट नहीं होती और दूसरा जो अमूमन देखा गया कि बैनर एडवर्टीजमेंट एट द बॉटम और समवेयर ऑन द वेबसाइट उस वेबसाइट की रहती रहती है बिकॉज अगर वो आपको फ्री में होस्ट कर रहा है फ्री में जनाब वेबसाइट बिल्डिंग करने की बिलिटी दे रहा है फ्री में वेबसाइट क्रिएट करने की बिलिटीटी दे रहा है बट ड्रैगन डॉप ड्रॉप फैसिलिटी बड़ा आसान होता है प्लग एंड प्ले है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो या कोई भी विंडोज यूज कर रहे हो जो कि आराम से आप स्टार्ट वगैरह आइकज वगैरह क्लिक करते हैं किसी सॉफ्टवेयर पर जाना हो तो वो यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं सेम गोज फॉर दो प्लग एंड प्ले वेबसाइट्स लेकिन है इस सारी फैसिलिटी को पैसे चार्ज करेंगे वो पैसे कैसे चार्ज करते हैं जनाब वो बैनर एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं फ्लोट कर देते हैं वो परमानेंट रहता है जो मर्जी करें वो बैनर रिमूव नहीं होगा उस बैनर के ऊपर उन वेबसाइट ओनर का लिंक होगा या वो जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किसी से ली हुई है वो लिंक्स चल रहे होंगे इन फॉर्म ऑफ ग्राफिकल बैनर्स और वीडियो बैनर्स ये भी देखा जाता है लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं और आप ज़ाहिर ब्रांड इमेज क्रिएट कराना चाहते हो तो इट इज नॉट अ यू नो बैड ऑप्शन इन मूविंग विद समवन हु क्रिएट्स वेबसाइट फॉर फ्री वेबसाइट बिल्डर्स बहुत सारे फ्री में मिलते हैं अगर आप गूगल करें हाउ टू बिल्ड योर वेबसाइट फ्री तो आपको कुछ साइट्स नजर आएंगी मैं आपके सामने दो हुई साइट पेश करूंगा आप उनको यूज कीजिए वो आप काफी उससे इंफॉर्मेशन ले लेंगे और आप अपना वेबसाइट जो है वो बिल्ड भी कर सकेंगे एक है जनाब विक्स डॉट कॉम डब्ल्यू आई एक्स डॉट कॉम इफ यू एट दियर स्क्रीन शॉट ऑन दियर होम पेज यू सी इट सेज यू कैन बिल्ड योर वेबसाइट फॉर फ्री यही है कि सब कुछ फ्री मतलब अगर आप चाहें कि उनकी बैनर एडवर्टीजमेंट ना लेना चाहें तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं विच विल रिमूव द बैनर्स ऑन योर वेबसाइट Uh, ज़्यादातर तो लोग uh, यही प्रेफर करते हैं ना कि उनकी वेबसाइट पे उन्हीं के बारे में बात हो किसी और का इमेज या लोगो या बैनर ना नजर आ रहा हो सो विक्स डॉट कॉम पर अगर आप फ्री साइन uh, अप करोगे तो आपकी वेबसाइट बन भी जाएगी इट इज़ वेरी इजी टू यूज पर्सनली आजमाया हुआ है uh, एक असाइनमेंट थी जहां पे मैं बच्चों को बता रहा था किसी सेमिनार में कि हाउ यू कैन यूज़ द इंपोर्टेंस ऑफ विक्स डॉट कॉम एंड क्रिएट योर वेबसाइट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दैट विक्स इज वन एग्जाम्पल सेकंड इज ई मेज डॉट काम ई एम ए जी ई डॉट कॉम इसके भी होम पेज पर पे आप देखो ये क्लेम हो रहा है कि आप uh, फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं आप आराम से जाइए साइन अप फ्री कीजिए अपनी वेबसाइट का नाम बताइए उनको एंड देन स्टार्ट यूजिंग देयर ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन फैसिलिटीज एंड क्रिएट अ फ्री वेबसाइट क्रिएट डिफरेंट पेजेस ऑन योर वेबसाइट फिर आप ग्राफिक्स वगैरह तो तोहरा खुद ही प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनमें भी बेसिक टेम्पलेट्स आपको मिल जाती है कि आप जो लुक एंड फील है वो क्या डिटरमिन करते हो और वो किस तरह आप लेके चलना चाहते हो बेस्ड ऑन योर कॉपोरेट आइडेंटिटी आप वेबसाइट के कलर्स वही चूज करते हैं ना जो आपके कॉपोरेट आइडेंटिटी को रेजोनेट करते हैं या उस कॉपोरेट आइडेंटिटी या लोगों के साथ मिलते जुलते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका लोगों में रंग यूज हुआ है लाल और पीला और वेबसाइट और नीला और काला I mean that would not make any sense. Generally, uh, simple colors uh, website we use, hoti, But if simple colors not used, make sure that actually the icons or the headings. वो आपके कॉपोरेट आइडेंटिटी आपके लोगों को रिफ्लेक्ट करें जनरली जो अच्छी एडवाइस है वो यही है कि सिंपल सफेद वेबसाइट रखिए बट प्लीज ऑट ना यूज़ कीजिएगा बैनर एडवर्टमेंट दोनों वेबसाइट के, के केस में खोती नहीं नजर आएगी आपको तो चॉइस कोई नहीं क्योंकि फ्री का काम में कहीं ना कहीं तो आपको कैच मिलता ही मिलता है एंड द रीजन वाई देआर गिविंग एन एबिलिटी टू क्रिएट फ्री वेबसाइट इज ओनली बिकॉज दे कैन प्रमोट दम सेल्स दे कैन प्रमोट देय एडवर्टाइजर्स वो भी फिर आगे ऐसे फ्री सिलसिला चला रहे होते हैं खाली फ्री वेबसाइट का ये मतलब ही है कि वेबसाइट फ्री में बिल्ड हो जाती है होस्टिंग भी हो रही होती है होस्टिंग के चार्जेस भी आपको नहीं देने पाड़े तो आप सालों साल अपनी वेबसाइट जो है वो फ्री होस्ट रख रख सकते हैं बट ये देखिएगा कि बैनर एडवर्टीजमेंट आ जाती है मेरी दरखास्त शुरू में फ्री में वेबसाइट बना लीजिए जब आपको एक दो प्रोजेक्ट्स मिल जाए तो प्लीज किसी फ्रीलेंसर से फाइवर पे जाके किसी भी वेबसाइट फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर जाकर ऑर्डर दीजिए बिड लीजिए प्रोजेक्ट डालने के बाद और एक अच्छी सी खूबसूरत सी वेबसाइट बनाइए बिकॉज ज अबाउट बिल्डिंग योर ब्रांड ऑफ्टर ऑल इट अबाउट बिल्डिंग योर रेपटेशन एज अ ब्रांड वाई वड यू कम समथिंग फॉर गटिंग समथिंग फॉर फ्री क्यों मतलब आप सारी उम्र ऐसा करेंगे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है एटलीस्ट काम स्टार्ट तो हो एटलीस्ट प्रेजेंस तो मिले तो इन दो वेबसाइट को खुद देखी हुई है तो मैंने आपके साथ जिक्र शेयर किया बट अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बेहतर और साइट मिल मिलेंगे और कोई हार नहीं है, अगर फ्री की बात हो रही है साइनअप कीजिए उन वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिए वहां पर अपना वेबसाइट उनके टेपलेट्स को लेकर इस्तेमाल करके बिल्ट कीजिए इनशाला आपको अच्छा लगेगा और आपकी वेब प्रेजेंस भी बन जाएगी वेब प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रांडिंग स्पेशली एज स्पेशलीज फ्रीलैंसर खुआी नजात बिल्डिंग योर ब्रांड रेपेशन बिल्डिंग योर ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट हमने ये भी डिस्कस कर लिया मैंने आपको आ, जैसे कि बताया कि आप फ्री में वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो बट उसका क्या चाहिए बैनर एडवर्टाइजमेंट आएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सवाल पूछते हैं कि जनाब हम अफोर्ड कर सकते हैं बट हाउ कैन वी गेट अ वेबसाइट एंड होस्टिंग फॉर अ वेरी लो कॉस्ट यानी कि हम चाहते हैं कि हम खुद अपनी वेबसाइट जो है वो बिल्ड करें या और खुद अपनी होस्टिंग सेलेक्ट करें बट प्राइस कम से कम होनी चाहिए मैं आपके सामने दो जा रहा जनाब लो प्राइस में वेबसाइट बनवाने के और लो प्राइस में होस्टिंग बनवाने के आ, दोनों को जरा गौर से सुनिएगा और अप्लाई कीजिएगा मेरे नजदीक एज अ बिगनर फ्री वेबसाइट लेने से बेहतर है क्योंकि उसमें बैनर एडवर्टीजमेंट होती है कि आप थोड़े से पैसे खर्च करके होस्टिंग और वेबसाइट बनवा लीजिए लेकिन कम से कम प्राइस में सबसे पहले हम बात करते हैं ना वेबसाइट की कैसे हो सकती है वेबसाइट का तो सबसे आसान तरीका फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर एज एं एन एम्प्लॉयर साइनअप कीजिए अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कीजिए फाइवर इन पर्टिकुलर मैं फाइवर की बात इसलिए करूं कि वहां पर ऑटोमेटिकली एक परसेप्शन होती है कि हाँ कंपेटेटिव येट लो प्राइस चलेगी अब अपना जो है सर्च करने के बाद एक हाशक गिग्जा को बिजनेस रिलेटेड की वेब डेवलपमेंट के अगेंस्ट मिल जाएंगी उनसे किसी को सर्च कीजिए प्राइस नेगोशिएट कीजिए अपनी प्रॉब्लम बताइए अपना बजट बताइए कही बस ये मेरा बजट है आप इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं अगर आप विलिंगनेस शो करते हैं तो मैं आपको हायर कर लेता हूँ आपको बहुत सारे फ्रीलांसर्स मिलेंगे जो uh, बिगनर होंगे कंट्री रियली डज नॉट मैटर यू कैन चूज अ फ्री लांसर फ्राम पाकिस्तान यू कैन चूज अ फ्री लांसर फ्राम यूर नेबर कंट्रीज कोई uh, जो है इसमें ममानियत नहीं है कोई uh, दिक्कत नहीं है अच्छा काम करने वाला दुनिया में कहीं भी बैठा होता है इंटरनेट इज अ ग्लोबल विलेज एवरी वन इज अ ग्लोबल फैमिली वन इट कम्स टू इंटरनेट

फेसबुक सारे यूज करते हैं और फेसबुक में बहुत सारे पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स और फ्री को शोकेस करते हैं एक ग्रुप है जिसको आप फेसबुक पर सर्च करें पाकिस्तानी फ्री और एक और ग्रुप है फ्री इन इन पाकिस्तान दोनों ग्रुप ज्वाइन कीजिए रिक्वेस्ट भेजिए एडमिन आपकी रिक्वेस्ट देखेगा और उसके बाद आपको अप्रूव करेगा बी एबल टू तो सी दोस्ट इन साइड दैट ग्रुप और बहुत सारी लर्निंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाटा डाटाशा इंफॉर्मेशन डाटा आपको मिल सकता है इन ग्रुप्स के अंदर पे सिर्फ एक पोस्ट डालिएगा जनाब मुझे होस्टिंग का कूपन चाहिए आपको आ, फ्री में बहुत सारे लोग होस्टिंग के कूपन दे देंगे बिकॉज जिनके पास होस्टिंग होती है ना उनको ई मेल्स आती रहती है एज अनाउंसमेंट फ्रॉम देयर होस्टिंग कंपनीज़ कि जनाब अगर आप एक और वेबसाइट हमसे होस्ट करवाएंगे अगर आप एक और होस्टिंग अकाउंट लेंगे तो हम आपको फाइव एक्स टाइम डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं बहुत सारे कूपन्स ऐसे होते हैं जो दस दस डॉलर की होस्टिंग के मिलते हैं पूरा सालाना दस डॉलर अरे दस डॉलर में तो ए, अगर आप प्राइस को देखें तो ये लगभग हजार से बारह रुपए में की बात है बारह सौ रुपये का आ, फास्ट फूड पर जाए तो खाना मिलता है इतने का सो अगर आपको पूरे साल की होस्टिंग मिल रही है बारह महीने की अनलिमिटेड होस्टिंग ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ई मेल एड्रेसेस और न सिर्फ होस्टिंग के साथ ई मेल एड्रेसेस बल्कि मार्केटिंग प्रमोशन भी अच्छे होस्ट दे रहे हैं जितने भी अच्छे होस्ट है वो मार्केटिंग प्रमोशन देते उस मार्केटिंग प्रमोशन में ये कूपन्स भी मिलते हैं जनाब आप फेसबुक पर एडवर्टाजमेंट करें तो उस पर डिस्काउंट गूगल एडवर्ड्स यूज करें तो उस पर डिस्काउंट अरे और क्या चाहिए आपको दस बारह डॉलर के पीछे आपको इतनी कुछ सर्विस मिल रही हैं सिर्फ एक पोस्ट डालनी है उन ग्रुप्स के अंदर जिनका मैंने जिक्र अभी आपसे किया और आपको जनाब इतना इतना बंदा मिलेगा पाकिस्तान के अंदर से ये पाकिस्तानी ग्रुप है जो आपको कूपन दे देगा जाए उस होस्टिंग वेबसाइट पे मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे बता रहा और वो कूपन यूज करें व्हेन यू आर परचेजिंग एन ऑर्डर आप देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन सौ डॉलर जो कि अगर एक होस्टिंग की एनुअल प्राइस है टिपिकली तमाम होस्ट निन्यानवे डॉलर तक की रेंज चार्ज करते हैं एक साल की आपके कूपन डालने से जनाब आपको दस बारह डॉलर में पूरे साल की होस्टिंग मिल जाए वेबसाइट आपने बना ली सस्ते दाम होस्टिंग आपको मिल गई सस्ते दाम आपका कंट्रोल है अपने ईमेल एड्रेसेस पे, आपका कंट्रोल है मार्केटिंग पे जो कि फैसिलिटीज और एड ऑन फीचर्स आपको होस्टिंग कंपनी दे रही है अरे

आपको होस्टिंग भी मिलती है वेबसाइट भी क्रिएट हो जाती है आपकी अपनी मर्जी की वेबसाइट है आपकी अपनी मर्जी की होस्टिंग है जिसके साथ आपको बेहतर ईमेल एड्रेस मिले गेट स्टार्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ब्रांड अंडरस्टैंड द ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ फ्री ऑलमोस्ट फ्री इज द वर्ड हियर सस्ती वेबसाइट विद वेरी सस्ती होस्टिंग ब्रांड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड वी हैव एट लेंथ बड़ी डिटेल्स हमने बात की क्या तो क्या वेबसाइट तो क्या सस्ती वेबसाइट क्या फ्री की वेबसाइट क्या सस्ती होस्टिंग सब डिटेल्स मैं आपको बता के आ चुका हूं और आपके सामने वो कॉन्टेंट मौजूद है अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बारे में अब तक मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि मैंने इसको लेटर इन द दीडियोज रखा हुआ था विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग आ डी एफ प्रोफाइल पी डी एफ ये एक फॉर्मेट है जो आपके सामने इसका आइकुल नजर आ रहा है ये पीडीएफ प्रोफाइल क्या होती है इसकी अफादियत क्या है इसका यूजेज क्या है देखिए अगर आप अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो कुछ तरीके होते हैं एक आपकी वेबसाइट है आपकी वेबसाइट कोई देखेगा यूज़ करेगा उन यूरल टाइप करेगा सबसे पहले ब्राउजर में मिसाल के तौर पे अगर आप ये देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे ए बी कॉम आपने लिख दिया आपके सामने वेबसाइट आ गई आपने वेबसाइट देख ली अगर आपको जरूरत है तो आप कॉन्ट्रेक्टस फॉर्म तक जाएंगे और क्लिक करेंगे कॉन्टेक्टस फॉर्म में और फिर अपना मकसद अपनी इंक्वायरी उस वेबसाइट ओनर तक पहुँचाएंगे बट अगर अभी आप रेडी नहीं है अभी आपको जरूरत नहीं है तो आप वेबसाइट देख के चले जाएंगे आटा मार देंगे और उसके बाद आपको याद ही नहीं रहना आपने कौन सी वेबसाइट विजिट की थी केस ऑफ बिजनेस कार्ड अगर आप इन पर्सन किसी को मिलते हैं और वो बिजनेस कार्ड जरूरी तो नहीं है कि वो इंप्लॉयर हो और आपको काम भी देट वेल इट ड क्या बात हो कि अगर हमको एक ऐसा तरीका कार्प्लॉयर के डेस्टॉप तक चली जाए सिस्टम तक से चली जाए और वह सारी उम्र अभी पड़ी रहे जब तक डिलीट नहीं करते वो होती है जना पीडीएफ प्रोफाइल और पीडीएफ प्रोफाइल नंदा लेस कमेश वेबसाइट ही है लेकिन उसको आप एक ग्राफिकल इंटरफेस दे के पांच छह पेजेस बना के जिसमें आप बताते हैं कि आप कौन है अपना इंट्रोडक्शन अपनी सर्विसेज अपना एक्सपीरियंस अपना स्किल सेट उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो को शोकेस करते हैं डिफरेंट पेजेस कि मैंने इस इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर इम्प्लॉय के साथ काम किया और ये इनकी वेबसाइट का आ, या इनके काम का या इनका कंटेंट राइटिंग का या इनका कुछ भी बिजनेस है उसका स्क्रीन शॉट और इमेज है देन यू टॉक अबाउट यूर सर्विसज जनाब आप क्या क्या कर सकते हैं आपका क्या क्या स्किल सेट है किस किस पे आपकी महारत है येयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एक स्किल सेट में कितना है फिर आप बात करते हो कॉन्टैक्ट की

ऑन इंटरनेट ओनली थिंग यू नीड टू लर्न इज हाउ टू यूज इंटरनेट अगर आपको इंटरनेट यूज नहीं करना होता तो आप इंटरनेट पर तरक्की नहीं कर सकते सो so, इंटरनेट की लर्निंग बहुत जरूरी है इसको अपनी स्किल को एनहांस कीजिए फिर जनाब जब वर्ड से आपने ये सारी चीजें बना दी ग्राफिक्स जो है वो इनपुट करके इंक्लूड करके इंसर्ट करके आपने आठ दस पेजेस का प्रोफाइल बनाया सेव एज पीडीएफ कर लिया अब इसकी इंपॉर्टेंस को समझिएगा पीडीएफ आपकी प्रोफाइल पे भी जा सकती है पीडीएफ जब आप बिड कर रहे हो एज एन अटैचमेंट भी जा सकती है पीडीएफ पीएम भी खुलने के बाद मैसेज बोर्ड में एज एन अटैचमेंट भी जा सकती है ऑल एम्प्लॉयर नीड्स टू डू इज जस्ट सेव दैट इन हेज कम्पर स्माइल आई है ना खुशी आई है ना मैंने भी वैसे यार बड़ी मार्क खा के तरीका सीखा है खुश रखे उस, उस को जिसने मुझे यह बताया था देर वॉज गाय फ्रॉम यूक्रेन जिनसे मैंने एक दफा उनका ऑनलाइन वेबिनार लिया पैसे देकर वेबिनार लिया और उन्होंने यह तरीका बताया था कि हाउ टू प्रमोट योर सेल्फ एज अ फ्री लैंसर एंड हाउ टू क्रिएट योर ब्रांड और उस ब्रांडिंग उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो यूजेज ऑफ पी डी एफ का अब वेबसाइट तो नहीं सारी मुल्क के जहन में रहेगा पी डी एफ तो सिस्टम में स्टोर्ड रहेगी ना अगर वो डिलीट ना करें जब वो कभी महीनों बाद सालों बाद पीडीएफ नजर आएगी खोलेंगे तो फॉरन वो देखेंगे हाँ इस फ्रीलांसर ने एक दफा बिड की थी जब मैंने प्रोजेक्ट पोस्ट किया था और इन्होंने मुझे पीडीएफ दी थी जो बिड में थी या पीएमबी के अंदर थी मैंने उसको सेव कर लिया हम हाँ, एक और प्रोजेक्ट है मेरे जिन में चले बात करके देखते हैं डायरेक्टली उसमें स्काइप इंफॉर्मेशन भी है कॉन्टेक्ट सेगमेंट के अंदर उसमें फोन नंबर भी है उसमें ई एड्रेस भी है उस उसमें फेसबुक भी है फिर जनाब आपको जो बिजनेस इंक्वायरी आएगी आप जब चीत करेंगे उस क्लाइंट को ले लेगा वापस फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर प्रोजेक्ट पोस्ट कराइएगा प्राइवेट इन्विटेशन कराएगा अवॉर्ड करवाइएगा खत्म कीजिएगा पैसे लीजिएगा फीडबैक लीजिएगा और आपकी एक ब्रांड मैनेजमेंट की स्किल से आपको एक रिटेंशन मिल गई एम्प्लॉयर की पोटेंशियल एम्प्लॉयर नया मिल सकता है और दिस इज हाउ द होल प्रोसेस कंटिन्यूज इट्स अ व्हील चेन इट्स अ कंटिन्यूस रिएक्शन तो बहुत जरूरी है कि ब्रांड मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग पी डी प्रोफाइल की फादियत इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए बहुत ही नजरात उम्मीद है ब्रांडिंग के बारे में अब तक डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी मैंने कोशिश किया कि वो तमाम गुरु भी बताऊँ जो कभी आपके यू नो जनरल नॉलेज में नहीं होंगे क्योंकि ज्यादा एक्सपोजर नहीं है और अब तक वो जादू की जो है ना चाबियाँ मैजिक की पहुँच जाएँ जिसको यूज़ करते हुए आप इनशाला सक्सेस टेज करो एज अ फ्री और तरक्की करो ब्रांड बनाओ फलो फुलो और अपनी रिकग्निशन करें एज वेल एज अपने मुल्क की रिकग्निशन करें जनाब अब हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग अ फेसबुक पेज मैंने सोशल मीडिया में फेसबुक पेज का क्यों किया मैंने गूगल प्लस की बात नहीं की मैंने लिंक की बात नहीं की फिलहाल मैंने ट्विटर की बात नहीं की मैंने प्रिंटर्स की बात नहीं की फैस ऑफ ऑल मैंने किसी भी सोशल मीडिया को टच नहीं किया अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फेसबुक पेज की देखिए

ये कितने इनसे होते हैं मुझे भी नहीं पता पर दो बिलियन क्या बड़ा डाटा सेंटर होगा क्या बड़ी वेबसाइट होगी क्या बड़ा सिस्टम होगा और सारा का सारा डाटा अच्छा तो सारा का सारा डाटा जो है वो फेसबुक पे रहेगा बट आउटरीच देखिए अगर आप अपना कारोबार अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विस एक फेसबुक पेज बना के दुनिया तक पहुंचा दें और वो दुनिया किसी तरीके से आपकी मार्केटिंग स्किल्स की वजह से आपका पेज देख ले आपका कारोबार कितना ऊपर जाएगा एज अ टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो पेज ऑलमोस्ट के तीन लाख लाइक्स हैं और साढ़े तीन लाख फॉलोअर्स हैं मेरे बीम गुरु के पेज पे अगर मुझे वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है बाजू का हो जाता है ना हम बिडिंग करने के मूड में नहीं होते हमें काम नहीं आ रहा होता तो मैं जाता हूं अपने पेज पे एक अदर रिक्वेस्ट पोस्ट या वीडियो डाल देता हूं कि मैं विलिंग हूं

मोर दे टू सर्व यू कॉन्टेक्ट मी तो बात खत्म एक मिनट भी नहीं हुआ अगले तक मैसेज भी चला गया और एन मुमकिन अगर किसी को वेब डिजाइन ग्राफिक डिजाइन कंटेंट राइटिंग वर्ड प्रेस क्रिएटिव राइटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग कोई भी फील्ड ले लो कोई भी नीच ले लो एज अ फ्री अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपकी वीडियो से खुश होकर उससे सेटिसफाइड होके आपकी कम्युनिकेशन स्किल देख के आपकी फिजिकल अपीरेंस देख के आपको काम दे दे कितना इंपॉर्टेंट तरीका बट हम में से बहुत ज्यादा मैं वैसे नुसन उसी से काम ले रहा हूँ मेजोरिटी फेसबुक पेज की इंपॉर्टेंस को समझते ही नहीं है हालांकि फेसबुक इज सच ए स्ट्रॉ मीडियम मैंने आपको बींग गुरू की एग्जाम्पल में किसी और ब्रांड की बात नहीं कर रहा सो so, मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक का पेज बनाइए उस पर अपनी वीडियो बनाइए लाइव सेशंस कीजिए इमेजेस बनवाइए और इमेजेस की पोस्ट डालिए और अपने कारोबार अपने ब्रांड अपना लोगो अपना इमेज दुनिया के सामने लेके आइए अगर आप अपने बारे में बात नहीं ना करेंगे तो कोई मजा वाला तो करने से रहा क्यों करेगा भी आपके बारे में बात आपको अपने बारे में अपनी सर्विसेज के बारे में अपने ब्रांड के बारे में खुद ही रिकग्निशन देनी है मुमकिन है कि आपकी नजर से ये इमेज गुजरा हो इट रियली डज नॉट मैटर हाउ बिग योर ऑडियंस इज एज लॉन्ग एज अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क एक वक्त आएगा कि जब आप कंटिन्यूसली अपने कारोबार सर्विस के बारे में बात कर रहे होगे अपने फ्रीलैंसिंग सर्विस के बारे में बात कर रहे होगे तो दुनिया कहेगी कि हाँ ये इतने अरसे से बात कर रहे हैं ये फ्रीलैंसर आज जज्बा के देखते हैं इनसे बात करके देखते हैं बात ही का इनिशिएशन ही तो सारी सारी की सारी गेम ही वहीं से स्टार्ट होनी है अगर किसी ने बात कर दी इनिशिएशन हो गई रह गया, गया। उसके बाद आपकी गेरूबिलिटीज है ना आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन है आपकी बिजनेस डेवलपमेंट है फिर तो आपका आधा काम आसान हो गया ना बिल्ड करने पड़ी ना कुछ करना पड़ा खुद ब खुद क्लाइंट उठ के आपके पास आ गया फेसबुक की पेजेस को प्रमोट कैसे किया जाए उसका आसान तरीका यह है कि आप अपनी पेजेस की जो पोस्ट है चाहे वो वीडियो हो चाहे वो ग्राफिक एलिमेंट हो उसको अपनी प्रोफाइल पे शेयर कीजिए और प्रोफाइल में आपके साथ आपकी फैमिली वाले होते हैं आपके दोस्त वाले होते हैं सबसे पहले वर्ल्ड स्प्रेड आउट अपनी सर्विस और कारोबार के बारे में अपने जानने वालों को किया जाता है ताकि उनको पता लगे कि हाँ हमारे एक अजीज हमारे एक दोस्त हमारे रिश्तेदार ये काम कर रहा है अगर उनसे उनके दफ्तर में कोई बात करें उनसे उनके स्कूल एकेडेमिक किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक को अगर कोई बात छेड़े तो वो फॉरन बताते हैं हाँ मेरे अजीज है उसका ये पेज आप जाकर सर्च कीजिए वो यही काम करते हैं और आपके पेज पर जब कोई विजिटर आएगा और आप एक ही बात कर रहे हैं विच इज़ अबाउट योर सर्विस कैसे मुमकिन है कि वो आपको कॉन्टैक्ट ना करे और इंक्वायरी ना भेजे सो Creating a Facebook page is very important and understand the importance of creating a Facebook page. Those Brand key of The reason why you should focus on building your brand image. I details the importance of logo, corporate identity, website, uh, social media, so on and so forth. You have up details or And now, stationery. stationery? stationery, English stationery. a stationery. This physical stationery which includes business card and letterhead. Why are the business card and letterhead important? भाई इनकी जरूरत क्या है आप अपना सारा काम जो है, वो ऑनलाइन कर रहे हैं आप प्रोफाइलिंग भी बड़ी डिटेल से समझ के आए हैं कि PDF की प्रोफाइल क्रिएशन का क्या फायदा हो सकता है और वो कैसे लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट कर सकती है तो भाई बिजनेस कार्ड की क्या जरूरत बिजनेस कार्ड की जरूरत है और रहेगी बल्कि अगर मैं ये कहूं कि बिजनेस कार्ड की जरूरत थी है और हमेशा रहेगी तो ये गलत नहीं होगा योर अफ्रील आंसर आपने किसी भी तरीके से काम लेना है चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो हाँ यह डिस्कस हम जरूर कर और कहते आएंगे कि जनाब जो भी काम है चाहे वो ऑफलाइन मिले उसको उठा के उठाकर फ्रीलांस मार्केट प्लेस में बिकॉज दैट विल बिल्ड योर प्रोफाइल दैट विल बिल्ड योर ब्रांड दैट विल बिल्ड योर रेपुटेशन लेकिन ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना कि बिजनेस कार्ड काम किस वक्त आएगा देखिए आप सोशल नेटवर्किंग करते हैं आप इवेंट्स पे शो अप करते हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह हर सिटी में कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है कॉलेजेस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतने वाइड स्केल पे इवेंट्स हो रहे होते हैं जहां पर आपको नेटवर्किंग करने का सही मौका मिलता है और एन मुमकिन है कि आपके साथ वाला स्टूडेंट ही हाँ मैं स्टूडेंट की बात करूँ मैं ना उस्ताद की बात कर रहा हूँ न मैं आगे जाकर प्रोफेसर भी किसी की बात नहीं कर रहा मैं तो सिर्फ स्टूडेंट की बात करूँ एन मुमकिन है कि उनका भी कोई कारोबार हो और वो फ्रीलांसिंग ना करते हो लेकिन उनको जरूरत हो एक कॉन्टेंट राइटर की एक ग्राफिक डिजाइनर की एक वेब डेवलपर की तो बिजनेस कार्ड हमेशा आपके पास होने चाहिए मैं कुछ भी नहीं निकाला परेशान होना एक सेकंड निकल नहीं रहा ये रहा ये भाई मेरा बिजनेस कार्ड है हर वक्त मेरी जेब में रहता है इस पर लोगो भी है इस पर मेरी कंपनी का नाम भी है इस पर मेरा नाम मेरा फोन नंबर मेरा ई एड्रेस सो so, बिजनेस कार्ड आप जाइए किसी भी नेटवर्क पे किसी भी इवेंट पे किसी भी सेमिनार पे और जनाब बिजनेस कार्ड आपके वॉलेट में आपके पर्स में होना चाहिए चाहे आप मर्द हो चाहे आप खातून हो कोई भी जेंडर हो नेटवर्किंग करते हुए अपने बिजनेस बिजनेस कार्ड कार्ड फ्लोट कीजिए मुमकिन है कि आपके देने की वजह से कल के आपका सात वाला ही स्टूडेंट मैं तो आगे की बात ही नहीं ना कर रहा ना मैं की बात कर रहा ना मैं किसी बिजनेस इवेंट की बात तो सिर्फ स्टूडेंट की बात कर रहा। कि उनको, या उनके को, या उनके की कंपनी में किसी भी स्किल की जरूरत कैन कम पर्सनली एक्सपीरियंस किया किसी दोस्त ने जबरदस्ती बुलाया बुलायावर डायक मैं दो साल से पहले अपने घर से बाहर नहीं निकलता था बस कंप्यूटर मैं इंटरनेट और मेरी फ्रीलांस की दुनिया लेकिन मैं उस इवेंट पर गया और न्याय हो रेजन इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी जहां पे लोग बिजनेस कार्ड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे मैंने भी बिजनेस कार्ड एक्सचेंज किया टू माई सरप्राइज 48 घंटे के बाद मुझे एक कॉल आगी जनाब मेरी आपकी मुलाकात हुई थी ओवर स्नैक्स एट मेरियट इस्लामाद और आप वेब डेवलपमेंट करते हैं हमारे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है क्या आप विलिंग है हमारी वेबसाइट डेवलप करने के लिए मैंने आगे से दिल्ली दिल में कहा नेकी और पूछ पूछ फायदा हो गया और वो वक्त है आज का वक्त है यकीन जरिए दो साल हो गए जहां भी मैं अवेलेबल होता हूं जहां कहीं इवेंट हो रहा होता है मेरी कोशिश होती है मैं पहुंचू जिस तरह मर्जी क्योंकि वहां पर नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है आप लोगों को अपने बारे में बताते हैं फ्रीलैंसर का खाली मकसद ऑनलाइन फ्रीलैंसिंग नहीं है फ्रीलैसिंग का मकसद यह भी है कि आप अपनी कम्युनिटी में वेल well नोन हो एज अ सर्विस प्रोवाइडर जब किसी को जरूरत पड़े क्रिएटिव राइटर वो कहे सोचे हाँ मैं शाम सर्वर से मिला था वो एक इवेंट पर मुलाकात हुई है उनका बिजनेस कार्ड है चलिए कॉल मिलाते हैं बिजनेस कार्ड में आपका फोन नंबर होना आपकी कॉन्टेक्ट इफॉर्मेशन होना द लाइक्स ऑफ योर स्काइप योर ई मेल एड्रेस योर वेबसाइट एड्रेस ये बहुत जरूरी होता है एक टिपिकल बिजनेस कार्ड गूगल कर लीजिए या एक टिपिकल बिजनेस कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसमें यही चीज़ें होती हैं कॉपरेट आइडेंटिटी जो कि लोगो, तो आपका नाम आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज इट. सोचिए इस इवेंट पर भी जाएं, अब वो तो पहले इवेंट पर जाना शुरू कीजिए सोशल नेटवर्किंग इज वेरी फॉर यू एज अ फ्रीलांसर जितने आप इवेंट्स में शो करोगे उतना आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे जब आप लोगों से इंटेक्ट करोगे तो आप अपना बिजनेस कार्ड दोगे जब आप अपना बिजनेस कार्ड दोगे तो एन मुमकिन है कि जैसे मेरे साथ हुआ था आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए सो आई यू नो ऑलवेज कैरी माई बिजनेस कार्ड्स विद मी सेम गो फॉर स्टेशनरी आप अगर आप लेटर, है, आप लेटर है लेटर हेड है पे भी ये इनफॉर्मेशन होती है जनरली आपका लोगो आपके बिजनेस का नाम या आपके कारोबार का नाम और आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन रिमेंबर दैट इन्फॉर्मेशन सच एज यू बिजनेस नेम यूर कॉन्टैक्ट एड्रेस फिजिकल एड्रेस ये तो आपको अब तक वैसे ही मैंने बड़ा डिटेल से बता चुका हूं कि आपके एन के लिए बहुत जरूरी है और अगर आपको एन नहीं मिलेगा तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तो जो भी पैसा बाहर से पाकिस्तान मंगवाओगे वो पाकिस्तान तक आएगा नहीं और अगर आप किसी ऑफलाइन तरीके से मिसाल के तौर पर एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो पेपल पाकिस्तान में ऑपरेशन नहीं है या आप पे उलियर कार्ड से पैसे विद्रॉ करोगे तो वो आपका व्हाइट मनी नहीं होता वो आपके टैक्स फाइल रिटर्निंग में काम नहीं आएगा सो साफ सुथरा काम कीजिए और लेटर हेड बनाइए लेटर हेड आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन में भी आपके अकाउंट ओपनिंग में भी अगर कल को आपने कुछ परचेज करना है उसमें भी काम आएगा लीगल एंड एथेटिक वे ऑफ गेटिंग द स्टेशनरी सो ट्राई टू अंडरस्ट इम्पोर्टेंस जनाब बिजनेस कार्ड और लेट है, है नहीं जाइए पांच डॉलर सिर्फ पांच डॉलर में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी पांच सौ रुपया सिका रहा है जो वक्त कभी बेशी तो ज्यादा डॉलर के रेट के साथ तो अगर आपका ग्राफिक डिजाइन से भाई जाइए फाइव पर फाइव पर जाकर दोनों चीजें मंगवाइए बनाइए आपके पास थ्री हंड्रेड डी पी आई हाई रेजोलूशन फाइल आ जाएंगे उनको किसी प्रिंटर के पास लेके जाइए प्रिंट कराइए बिजनेस कार्ड धड़ले से अपने वॉलेट पर जाइए और जैसे मैं जा रहा हूँ चलते फिर दोस्तों प्रोफाइलिंग बिडिंग सब कुछ आप डिटेल से समझ चुके और अगर नहीं समझे वैसे तो वाकई समझ गए क्योंकि आपके जो और असेसमेंट्स हैं माशाला दिल गार्डन गार्डन हो गया आप लोगों के रिस्पॉन्स देख के और मुझे खुशी हो रही है कि मेरी कॉम जो है पाकिस्तानी यूथ इन पर्टिकुलर वो बड़ी डिटेल से देखिए लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात पर हो रही है कि वो लोग जो मुलाजमत कर रहे हैं वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं जिनकी उम्र भी बहुत ज्यादा है वो भी फ्री लैसिंग का कोर्स ले रहे हैं सर मैं आपके जज्बे का तहे दिल से जो है वो मशहूर हूँ खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ रीशेप करना चाहते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस साइड ऑफ सोशल मीडिया सोशल मीडिया तो एक हम जानते हैं और हम पाकिस्तानी एक ही को जानते हैं फेसबुक या ट्विटर ट्विटर फॉर पोलिटिकल लैंडस्केप फेसबुक हम आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए फेसबुक के थ्रू आपको आपके पुराने दोस्त मिलते हैं आपको वो बिछड़े हुए कुंभ के मेले में बिछड़े हुए रिश्तेदार भी मिलते हैं जो 10 10 20 20 साल से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं थे और आप उनके साथ कनेक्शन कर लेते हैं पिक्चर्स एक्सचेंज करते हैं और बातचीत करते हैं यूजिंग फेसबुक मैसेंजर बट क्या आपने सोचा है कि फेसबुक का काम इतना तो नहीं है थोड़ा स्टैट्स देखते हैं फेसबुक so, है मतलब है इट एज बिगर नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड एंड प्लेन इन द स्का फेसबुक खाली नेटवर्किंग के लिए यूज करना है या कारोबार के लिए यूज करना है फेसबुक वॉन्ट्स टू बी अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर रिक्वायरमेंट यानी कि फेसबुक चाहता है कि अगर आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हैं तो आप फेसबुक यूज करें अगर आप जो आप कारोबार के बारे में बात करना चाहते हैं आप फेसबुक यूज करें आप अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल सेल परचेज करना चाहते हैं फेसबुक यूज करें आप कारोबार खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं फेसबुक यूज करें आप मौसम का हाल जानना चाहते हैं फेसबुक यूज करें अगर आप फोरकास्टिंग करना चाहते हैं मौसम की फेसबुक यूज करें मैं तो चलता रहूंगा और एक घंटा लगेगा इस सारी बात को एक्सप्लेन करने में कि फेसबुक खाली नेटवर्किंग का नाम नहीं है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फेसबुक पेजेस या पेजेस कई सारे देखते हैं ना पाकिस्तान के भी बहुत बड़े बड़े पेजेस हैं अगर आप गूगल करें तो टॉप टेन पेजेस ऑफ पाकिस्तान तो आपको फेसबुक के वो टॉप ब्रांड्स नजर आ जाएंगे जो कि सर्विसेज दे रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं एक्टर्स हैं रिलीजियस स्कॉलर्स हैं ब्रांड्स हैं आपको सबके पेजेस नजर आ जाएंगे टॉप टॉपिक में ये क्या कर रहे हैं ये फेसबुक को यूज कर रहे हैं अपनी आवाज आप तक जो कि कॉमन पाकिस्तानी है पहुंचाने के लिए अब जूते शिफ्ट कर लेते हैं आप उनके जरा शूज फिलकिल कर लीजिए अगर आप उनके शूज फिल इन करेंगे तो ये आप भी हो सकते हैं किसी भी ब्रांड का मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करता हूं मैं किसी और की बात नहीं करता मेरा पेज जो बी गुरु है फेसबुक पेज इट हैज है थ्री हंड्रेड के लाइक्स एंड फॉलोअर्स एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मुमकिन है ये साल के आखिर में इनशाला एक मिलियन हो जाएगा ये पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं फ्री लेंसिंग सीखना चाहते हैं अरे ये फ्री लेंसिंग में मेरे कितने काम आता है इसकी बिजनेस साइड क्या है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने अभी मेरी वीडियो आदि रोक के पेज क्रिएट कर देना है इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी है कि अगर मैं पोस्ट डालता हूँ ग्राफिक डिजाइन आई एम वेब डेयल आई एम लुकिंग फॉर कंटेंट राइटिंग असाइनमेंट्स पूरी दुनिया से फेसबुक पेज बंदिश जियोग्राफिकल बंदिश नहीं है कि अगर आपका पेज पाकिस्तान में ही है तो सिर्फ पाकिस्तान के लोग आपके पेज को एक्सेस करेंगे अरे फेसबुक प्रोफाइल में आपकी पूरी दुनिया से दोस्त है ना कोई किसी कॉन्टिनेंट में बैठा है कोई किसी कॉन्टिनेंट में बैठा है सारे आपस में बैठे कनेक्टेड तो, हो नेटवर्किंग हो रही है एक दूसरे का हाल अव जान लेते हो सेम गोज फॉर द पेज वैन यू हैव अ पेज फॉर अ बिजनेस पर्पज या आपका पेज जो है वो सर्विस दे रहा है जो कि आपके केस में एज अ सर्विस प्रोवाइडर है हम फ्री पेज क्रिएट कीजिए उस पेज पे अपनी सर्विसेज के बारे में बात कीजिए सेम गोज फॉर लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग की अगर बात की जाए सेम गोज फॉर गूगल प्लस सो सोशल मीडिया फादियत फॉर बिजनेस साइड उसको इग्नोर नहीं करना आगे चलते हुए मैं आपको फेसबुक इन पर्टिकुलर लिंक इन पर्टिकुलर इनके बारे में बड़ा डिटेल से बताऊंगा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड के फ्रीलेंसिंग खाली फ्रीलेंस मार्केट प्लेस तक महदूद नहीं रहती इफ यू वॉन्ट टू ग्रो एज अ फ्रीलैंसर आप अपने ऑफलाइन भी प्रमोशन करते हैं या आप और ऑनलाइन मीडियम भी यूज करते हैं सोशल मीडिया के द लाइक्स ऑफ फेसबुक जिसकी मैंने अभी थोड़ी सी बात की अभी आगे डिटेल से करूंगा गूगल प्लस ट्विटर ये तमाम वो सोशल मीडिया हैं जिनको यूज करते हुए आप अपनी ब्रांडिंग बिल्ड करते हैं आप अपना काम दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनसे काम ले भी सकते हैं खतीनोजाद फेसबुक की फादियत क्योंकि मैंने सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फेसबुक को दी बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट नहीं है कंसिडरिंग द ट्रैफिक फेसबुक हैज दो बिलियन दो बिलियन मुझे तो यह भी नहीं पता कितने सफर होते हैं कितने सफर होते हैं दो बिलियन दो uh, कम हो गया एक सफर और हाँ पूरा हो गया देखो मुझे तो इतना नहीं आता दो बिलियन कितना है तो आप अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा मैसिव बिजनेस स्केल है फेसबुक और ये अभी हम 2018 की बात कर रहे हैं आने वाले दहाइयों में क्या हो रहा होगा फेसबुक के साथ यू गैस गुड इज माइन तो अब फेसबुक की इंपॉर्टेंस हाउ टू यूज फेसबुक इफेक्टिवली ये इतना हाई पेड सेमिनार्स होते हैं इस पे वेबिनार्स होते हैं इस इसपे और मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ अपना नोट पैड पेन या पेंसिल पास रखिए एक एक टॉपिक को कवर करूंगा बेसिकली तीन चार चीजें ही होती है हाउ टू क्रिएट योर पेज एंड हाउ टू यूज योर पेज एफेक्टिव क्या इंक्लूड होना चाहिए पेज के अंडर इन ऑर्डर टू यू नो ऑप्टिमाइज एंड मैक्सिमाइज योर फेसबुक आउटरीच तो हम फेसबुक को डिस्कस करेंगे और वो तरीके मैं आपको बताऊंगा जो मैंने बींग गुरु के पेज पे यूज़ किए और वो बेसिक चीज़ें होती हैं लेकिन उनकी हफाजियत को उनकी इंपॉर्टेंस को लोग इग्नोर कर देते हैं द लाइक्स ऑफ पोस्ट पिक्चर्स वीडियोज लाइव वीडियोज पोलिंग ये वो बेसिक चीज़ें जो आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बट फॉर नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट योर फेसबुक पेज सबसे पहले अपना फेसबुक पेज बनाइए उस पर वही कॉपोरेट आइडेंटिटी एज अ प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए जो आपकी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर लगी हुई है जो आपके ब्रांड है, है और उसके साथ एक कवर पिक्चर अच्छा सा बनाइए जरूरी नहीं है कि आप अपनी तस्वीर लगाइए पार्ट पर खड़े होकर ऐसे सेल्फी लगा के आप बिजनेस की बात करें अपने आप को प्रमोट नहीं करें आप अपने ब्रांड को प्रमोट करें पेज में ब्रांडिंग होती है प्रोफाइल में सेल्फ प्रमोशन होती है सेल्फ टॉक होती है ये प्रोफाइल नहीं है ये फेसबुक पेज है यह मुख्तलिफ होता है फेसबुक प्रोफाइल से गूगल कीजिए तो आपको पता लग जाएगा उसकी क्रिएशन बहुत आसान है अगर आप अपने प्रोफाइल से टॉप साइड पे आइकन जो आपको एक नजर आ रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज क्रिएशन करने की बिलिटी देगा ये भी अगेन मैं चूंकि डिटेल से नहीं बता रहा कि वक्त के साथ चेंज होता रहता है गूगल को सब कुछ पता होता है गूगल पर जाकर सिर्फ इतना से लिख दीजिए हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज तो आपको पता लग जाएगा अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए आपके पेज पे विच कुड अपलिफ्ट योर ब्रांड विच कुड प्रमोट यू विदाउट एक्चुअली पेंग अ टाइम मैंने आज तक बिगू के पेज पे एक रुपया नहीं लगाया तीन लाख फॉलोअर्स हैं और एक रुपया नहीं लगाया तो कोई तो रॉकेट साइंस होगी कोई तो चाबी होगी मेरे पास और मैंने जैसे बताया ये वो वेबिनार्स और सेमिनार्स होते हैं जो हजार डॉलर पर आर के चार्ज होते हैं पूरी दुनिया में स्पेशली यूएसए मैं फ्री में बता रहा हूं सीख लीजिए जी दोस्तों एक्साइटमेंट लेवल बिल्ड होगी है मैं आपको वो नुस्खे बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपका फेसबुक पेज अप स्केल हो सकता है ब्रांडिंग हो सकती है और आप जनाब जनाबेली फ्रीलांस काम सोशल मीडिया

जिसमें आप सिर्फ अपने ब्रांड की बात करते हो आप अपने बिजनेस की बात करते हो उस पे जो फर्स्ट उसमें फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द दूजेज ऑफ पोस्ट देखिए अगर हम किसी भी बेवरेजेस की बात करें हम किसी भी बिग कंपनी की बात करें तो फौरन हमारे जहन में उनका लोगो और लोगों का रंग आ जाता है ऐसा है ना अगर हम किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें या अगर हम किसी टी की बात करें या हम किसी कंपनी की बात करें तो लोगों के साथ साथ उसका कलर कंबिनेशन भी हमारे जेहन में रह जाता है दोस्तों इसी चीज को ब्रांडिंग कहते हैं फेसबुक की पेज की पेज की बात करें ना फेसबुक पेज की जो ब्रांडिंग है ना वो सिमेटराइज होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए यानी कि आप जो पोस्ट डाल रहे हैं अगर आप अपने कारोबार से रिलेटेड बात कर रहे हैं विच इज यू कुड बी अ कंटेंट राइटर यू कुड बी अ ग्राफिक डिजाइनर यू कुड बी अ वेब डेवलपर यू कुड डू ई कॉमर्स यू कुड डू डिजिटल मार्केटिंग इमेजिन इफ यू आर ऑफरिंग वन ऑफ दिस सर्विस पहली चीज जो आपको जहन में रखनी है वो वह कि सिमेट्री रहनी चाहिए आपकी पोस्ट में सिमेट्री कैसे होती है कि जब आप कलर यूजेज कर रहे हो इन ऑर्डर फॉर पीपल टू रेजोनेट यूर पोस्ट विद योर ब्रांड आपके वही कलर पिक्चर्स और पोस्ट में यूज होने चाहिए जो आपके लोगों का कलर है अच्छा मिसाल के तौर पे आपने तीन चार टेम्पलेट्स बना लिए और उन्हीं को आप रिपीट करते हैं अपने सर्विसेज के बारे में बात करने के लिए मिसाल के तौर तो पे मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं और मैं दिन की एक पोस्ट डाल देता हूं फेसबुक पेज पे के डू यू नीड अ ग्राफिक डिजाइनर हेर आई एम और मैंने अपनी तस्वीर के साथ अपने लोगों के साथ एक इमेज बना दिया अब लोगों तक वो इमेज कैसे जाएगा लोगों तक वो इमेज ऐसे जाएगा दोस्तों के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पीपल बिगन टू सी आप रोज अपनी पोस्ट डाल रहे हैं फेसबुक पेज पे अगर कोई पोस्ट पसंद आ गई तो आपके दोस्त वगैरह शेयर भी कर देंगे अब आप दोस्त को कैसे शेयर करेंगे उसका तरीका यह है कि जब आप अपने फेसबुक पेज पर पे कोई पोस्ट डालते हैं तो उसका पहला शेयर तो आपने खुद करना है अपनी प्रोफाइल में यानी कि मैं हिशाम सर्व अगर बीम गुरु पे कोई पोस्ट डालता हूं तो उसको मैं शेयर कर लूँ अपनी प्रोफाइल पर फिर मैं अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी शेयर करें सो दिस इज हाउ द चेन रिएक्शन स्टार्ट दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ प्रमोशन ऑफ योर ब्रांड अब जनरल ऑडियंस को पब्लिक को कैसे प्रमोट किया जाए उसको प्रमोट करने के लिए सबसे आसान तरीका हैश टैग्स हैश टैग्स का यूज करना है आपने अपनी पोस्ट पे सिमेट्री रहनी चाहिए पोस्ट पे ये याद रहे ऐसा नहीं हो सकता कि एक पोस्ट नीली है तो दूसरी पीली है नीला पीला काला नीला खुद ये ना करना सिमेट्री रखना यूनिफॉर्म ,right, रखना अपनी पोस्ट को लेकिन हैश टैग यूज कीजिए अगर मैंने ग्राफिक डिजाइनर की एक्जाम्पल दी है तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर हैश टैग ग्राफिक डिजाइन सर्विस ये बहुत जरूरी है कि आप इसको इस तरह हैश टैग्स को एक्सप्लोर करें अगर आप पेज के ऊपर सर्च का जो बार है उस पर हैश टैग ग्राफिक डिजाइनर लिखेंगे तो आपको बेतहाशा ऐसे टैग्स नजर आ जाएंगे और दुनिया भर के ऐसे सर्विसेज प्रोवाइडर नजर आ जाएंगे तो इसका मतलब हैश टैग एक पर्टिकुलर तरीका है किसी सर्विस किसी प्रोडक्ट किसी बंदे के बारे में जानने के लिए एक एक्सरसाइज दे रहा हूं फेसबुक पेज पे सर्च पे हैश टैग बींग गुरु लिखिए आपको बींग गुरु यानी कि मेरे इन पर्टिकुलर इतने ज्यादा कोर्स नजर आएंगे कि वो पूरी दुनिया में शेयर रहे हैं इसी तरीके से मैंने अपनी रेपुटेशन बिल्ड की और मेरा पेज बढ़ता रहा ये पहली बात हो रही है पोस्ट की जिसके दो वेज होते हैं ए आस्किंग योर फ्रेंड्स टू प्रमोट योर कंटेंट एंड टू यूजिंग दी हैश्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैश टैग बट एक वक्त आएगा और बहुत जल्दी आ जाता है वैसे मैं बताऊं मैं अगर यहां पर यह क्लेम करूँ कि घंटों के अंदर यह मामला सेट हो जाता है तो यह भी गलत नहीं है बड़े खुश हो रहे हो वाह बड़े शॉर्टकट मिल गया जल्दी जल्दी लेकिन काम भी करना है सबसे पहले तो मुझे ये चेक करके बताइए कि अगर आप हैश बिंगरू लिखते हैं या आप हैश टैग हिशाम सर्वर लिखते हैं विदाउट एनी गैप इन बिटवीन तो आपको क्या नजर आता है आपको सब ब्रांडिंग नजर आ जाएगी अब आप अगर जाइए बिंगरू के पेज पर पे। यह मेरा बीघरू का पेज है इस पर पिक्चर सेक्शन पर आप क्लिक करें निन्यानवे फीसद आपको एक ही टेम्पलेट नजर आएगी उसमें मेरा लोगो भी लगा हुआ है बिकॉज ये सिमेट्री है यही वो सिमेट्री है जिसकी मैं बात करूं यही वो सिमेट्री है जो आपने फॉलो करनी है अपने पेज पे फिर आप अपनी सर्विसेज के बारे में बात कीजिए अपने बारे में बात कीजिए कि ना मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं मैं कंटेंट राइटर हूं मैं वेड डेवलपरू मैं इमर्स स्पेशलिस्ट हूं मुझे हायर करो मुझे काम दो मैं आपको मैं नहीं करूंगा टेम्पलेट बनाने के लिए पोस्ट का यूजेज बहुत जरूरी है अच्छा अब ये तो हो गया एक फ्री तरीका आप अपनी पोस्ट को प्रमोट कर रहे हैं एक पेड तरीका भी है और वो भी बहुत ही सस्ता है कि अगर आपने पेज में अपनी पोस्ट को फेसबुक की मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट यूज करते हुए सिर्फ पांच एक डॉलर पांच सौ रुपए भी लगाए और उसकी ऑडियंस

इन ऑर्डर टू प्रमोट योर ब्रांड एंड फ्रीलांस बिजनेस हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस करी हमने ये भी डिस्कस कर लिया द इमार्टेंस ऑफ पोस्ट हाउ यू शूड यू शूड यूज हैश टैग्स हैश टैग्स को कैसे यूज करा मैंने अपनी ग्राफिक डिजाइन की एग्जाम्पल दी मैंने ये भी बताया कि फेसबुक पोस्ट को पिक्चर्स इन पर्टिकुलर आप कैसे अपने दोस्तों तक प्रमोट करें आप कैसे हैश टैग की इंपॉर्टेंस को समझते हुए कैसे हैश टैग्स को एक्सप्लोर करते हुए आप अपनी पोस्ट को प्रमोट करें अब जनाब सबसे इम्पोर्टेंट बात फेसबुक वीडियो वीडियो से तो हम वैसे ही बड़ा कतर आते हैं क्योंकि हम कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हाँ मुझे कैमरे के सामने खड़ा कर दिया मुझे सुनते रहो लेकिन मैंने जब रिक्वेस्ट की कि मुझे कैमरे के सामने आके एक वीडियो प्रपोजल दें तो सिक्सटी परसेंट सक्सेस मिली लोगों को इट्स ओके यू विल गेट यू नो यूज टू दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम फेसबुक की वीडियो कोशिश करूंगा कि टाइम के अंदर रहते हुए आज आपको फेसबुक वीडियो के बारे में वो सब कुछ बता दूं कि आप ऑटोमेटिकली अपना प्रोफाइल अपनी सर्विस और अपनी प्रोडक्ट प्रमोट कर लें फेसबुक वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है फैक्ट से बात करेंगे हवाई फायर कोई नहीं वो वैसे भी मैं नहीं करता और ना मैं पसंद करता हूँ मैंने फेसबुक वीडियो बींग गुरु के लिए बहुत यूज़ की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई लाइव सेशन किए फेसबुक वीडियोज़ को क्यूरेट करके एडो बी प्रीमियम प्रीमियर, प्रीमियर यूज़ करके आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करके हैंड स्केचेस ड्राॅइंग बोर्ड एनिमेशन ये तमाम वीडियो के हकंडे इस्तेमाल करके मैंने पेज को इतना प्रमोट किया इतना लाइक्स लिए इतने फॉलोअर्स लिए जस्ट बिकॉज फेसबुक लव्स फेसबुक आने वाले वक्त में ट्रेडिशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट टेलीविजन को टेक ओवर करना चाहता है फेसबुक चाहता है आप ड्रामा भी फेसबुक पर देखें फेसबुक चाहता है किसी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जाना हो वो भी वीडियो फेसबुक पर देखें फेसबुक चाहता है आप न्यूज भी फेसबुक पर देखें जब भी तो आप देख रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट बड़े पाकिस्तान के न्यूज मीडिया नेटवर्क हैं वो फेसबुक पर लाइव करते हैं वो फेसबुक पर वीडियोज डालते हैं अपने पेज पर पक्की आजमाई हुई बात भी गुरु के पेज पर आज वीडियो डालता हूं तो रात तक तीस हजार मिनिमम व्यूज मिलते हैं हां तीन लाख फॉलोअर्स भी हैं बढ़ेंगे भी लेकिन वीडियो कॉन्टेंट पिक्टोरियल कॉन्टेंट यानी कि पिक्चर कॉन्टेंट से ज्यादा ट्रैक्शन गेन करता है उसकी वजह है उसकी वजह अगर मैं आपको चार सिंपल आ, तरीके बता दूं जो मैशेबल भी डिस्कस कर रहा है वो ये हैं कि जनाब वीडियो कंटेंट इज प्रेफर्ड एंड कंज्यूमर्स आर यूजिंग फेसबुक वीडियोस यानी कि हाफ ऑफ द यूएस पॉपुलेशन इन 2015 के स्टैट्स के मुताबिक एवरेज एक वीडियो देखती है हाफ ऑफ यूएस पॉपुलेशन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को प्रेफर करती है so, it's consumer -oriented. लोग प्रेफर करते हैं वीडियो में content देखना यही वजह है कि फेसबुक ने पिछले दो सालों में वीडियोज पे बहुत काम किया और सेकेंड पॉइंट फेसबुक इज इन्वेस्टिंग ऑन videos, लाइफ की फैसिलिटी दे दी पिछले दो सालों में लाइफ की फैसिलिटी मिसाल के तौर पर अगर आप मेरी प्रोफाइल देखें या आप मेरा पेज बी गुरु देखें तो मोबाइल उठाता हूं और आराम से लाइव ब्रॉडकास्ट कर लेता हूं आज से पहले मुझे किसी टेलीविजन नेटवर्क के पास जाना पड़ता था किसी कैमरामैन की फैसिलिटी लेने पड़ती थी इन ऑर्डर टू गेट माई मैसेज अक्रॉस इन द वीडियो अब जनाब ये मोबाइल उठाया यह लाइव का बटन दबाया और क्या सिंपल है फेसबुक पेज पर पे, आप अगर अपनी प्रोफाइल पर देखें तो यह लाइव का बटन आपके सामने नजर आ रहा है इसको दबाएं आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक जाएगी हैश का इस्तेमाल बहुत जरूरी है यहाँ भी जस्ट लाइक पिक्चर पोस्ट जस्ट लाइक नॉर्मल टेक्स्ट पोस्ट कि अगर आप हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आवाज़ दूर तक जाएगी कोशिश यह हो रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को टेक ओवर कर लिया जाए एंड मेक फेसबुक वन स्टॉप रिसोर्स आपकी तमाम वीडियोस के लिए तीसरी बात जनाब वीडियो प्रोडक्शन इज गेटिंग लेस एक्सपेंसिव इसका मतलब यह है कि पहले वीडियो प्रोडक्शन में बिग फैसिलिटी चाहिए होती थी अपनी आवाज अपना कॉन्टेंट रिकॉर्ड करने के लिए अब स्मार्टफोन्स हैं जनाब स्मार्टफोन को उठाइए और अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट निल जीरो सिर्फ इंटरनेट की कॉस्ट देनी है आपको तो तो वैसे भी दे रहे हो डाटा की सूरत में या वाईफाई जो इंटरनेट आप जनरली यूज करते हैं सो वीडियो प्रोडक्शन इज इज़ एक्चुअली गेटिंग वेरी 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 यू नो चीप इट टू यूज़ लेस एक्सपेंसिव कोई कॉस्ट इन्वॉल्व और आप अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए फेसबुक पर पूरी दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं अरे फेसबुक तो वो है जो अगर एक बात क्लिक हो जाए तो पूरी दुनिया तक पहुंचती है ये सब जानते हैं ना चाय वाला कैसे पूरी दुनिया में वायरल फेमस ओवरनाइट सेलिब्रिटी कहाँ गए पता नहीं बट वायरल बहुत हो गए थे फेमस बहुत हो गए थे

सिर्फ आपको एबिलिटी चाहिए कि आप अच्छी सी वीडियो क्रिएट करते हैं अगर आपको वीडियो क्रिएट नहीं करना आती अपने आपको वीडियो आ, में लाने के अलावा मैं बात कर रहा हूं जाइए फाइबर पे सर्च कीजिए वीडियो प्रोडक्शन वीडियो एनिमेशन आपको बेतहाशा लिंक मिलेंगे पाँच डॉलर दस डॉलर या जो भी प्राइस है आप हायर कीजिए किसी को अपनी सर्विस के बारे में इफ यू अर ग्राफिक डिजाइनर इफ यू यूर कॉन्टेंट राइटर वीडियो बनाइए उसको अपने पेज पर प्रमोट कीजिए हैश टैग लगाइए अपनी प्रोफाइल पर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को क्या शेयर करें आपका आइडिया इंस्टेंटली हिट हो जाएगा दैट बीस मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ और साथ साथ फेसबुक लाइव भी कर दिया मैंने इस कंटेंट को ताकि लोग भी देख लें वीडियो की फादियत को और कितना आउटरीच होता है इत, इसकी एक एक्जाम्पल मैं बता दूंगा इस वक्त आप मेरे फेसबुक पेज पर पे, आप जैसे एक सौ पैंतीस लोग रियल टाइम देख रहे हैं सो so, फेसबुक की फादियत समझिए वीडियो की तो फादियत समझिए इट्स अ मैसिव बिजनेस प्रमोशन टूल पिक योर स्मार्टफोन बात कीजिए अपनी सर्विस के बारे में बात कीजिए अगर आपकी बात करेंगे तो और कौन बात करेगा ये आज मैंने आपको वो खजाना दे दिया वीडियो की सूरत में जिसको आप आजमाएंगे और इंशाल्लाह मुझे दुमा देंगे दोस्तों फेसबुक पेज की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बड़ी डिटेल से बात की क्या आप फेसबुक पेज को कैसे यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू प्रमोट योर फ्रीलांस बिजनेस फ्रीलांस स्किल्स फ्रीलांस सर्विसेज हमने ये भी बात की कि आप फेसबुक uh, पोस्ट और पिक्चर्स को कैसे ब्रांड करेंगे कैसे स्मिट्री लेके आएंगे हमने ये भी बात की कि फेसबुक वीडियोज़ क्यों इंपॉर्टेंट हैं हमने ये भी बात की ऑफ टॉपिक कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं और उससे आपकी बिजनेस की ट्रैकिंग बिजनेस की प्रमोशन फेसबुक पेज की प्रमोशन कैसे हो सकती है अब हम बात करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग की यह बात जहन में रहे कि फेसबुक वॉन्ट्स टू टेक ओवर द मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि फेसबुक की कोशिश है कि वीडियो कंटेंट सबसे ज्यादा दिखाया जाए एज अ प्रोफाइल यूजर अगर आप अपने स्मार्टफोन पे फेसबुक यूज करते हो तो आपने गौर किया होगा कि हर तीसरी या चौथी पोस्ट के बाद एक या वीडियो आ जाती है आपकी प्रोफाइल पे वो इसीलिए है कि फेसबुक चाहता है कि वीडियो कंटेंट सबसे ज्यादा प्रमोट हो ताकि विजुअल इंपैक्ट बढ़े लोग ज्यादा से ज्यादा फेसबुक को एज अ वीडियो मीडियम यूज करें लाइव वीडियो की इंपॉर्टेंस इसी वजह से इसकी जो अफादियत है वो डबल हो गई है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर ये लाइव स्ट्रीमिंग सबसे पहले वेस्ट में फ्लोट हुई थी अमेरिका यूरोप और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में जो बड़ी प्रोफाइल हैं उनमें फ्लोट हुई थी मेरे पास लाइव वीडियो की फैसिलिटी पाकिस्तान के अर्ली बर्ड यूजर्स फेसबुक के प्रोफाइल पर पे और पेजेस पर पे मिली थी सवाल यह पैदा होता है कि फेसबुक पेज पर पे लाइव स्ट्रीमिंग की इंपॉर्टेंस क्या है अरे लाइव स्ट्रीमिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि आपका कॉन्टेंट अगर आप प्रोमोट करते हैं तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो एक सौ पैंतीस फीसद आउटरीच मैक्सिमाइज होता है वन थर्टी फाइव परसेंट इट्स अ नोन फैक्ट स्मार्टफोन ने वीडियो कंटेंट और वीडियो पब्लिशिंग की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल मिनिमाइज कर दी है और यू नीड नाउ एज अ स्मार्टफोन उस पर जाके आप ये जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो लाइव का बटन है अपने पेज पे लाइव का बटन दबाइए कैमरे के सामने आइए हाँ ये जरूर है दोस्तों अच्छा बच्चा बन गया ना खूबसूरत सा

ना अगले को समझ लगेगी और ना आपको अपनी समझ लगेगी और ना आपकी ब्रांड अवेयरनेस होगी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम लाइफ विद अ प्रॉपर शु द कॉन्टेंट शुदा कंटेंट का मतलब है कि आपको अपने टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए आपको अपने सर्विस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और जब आप अपनी स्किल पे महारत रखते हैं जब आपको अपनी स्किल के बारे में पता है और आप लाइव वीडियो में आके अपनी स्किल के बारे में बात करेंगे आप लोगों को यह कन्विंस करेंगे कि वाई यू आर राइट कैंडिडेट फॉर देयर फ्री लेंस वर्क ऑटोमेटिकली तो तो ओवर पीरियड तो ऑफ टाइम बिल टू रिलाइज आपका कॉन्टेंट ना सिर्फ शेयर होना शुरू हो तो जाता है बल्कि लोग आपके कॉन्टेंट को लाइक भी करना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली फेसबुक वीडियो की वजह से आपकी पेज की प्रमोशन होना शुरू हो जाती है और अगर आप अपने वीडियो को प्रमोट करने लगें थोड़े से पैसे लगा के ज्यादा मुश्किल काम नहीं है हमने पोस्ट के बारे में भी यही बात की है, यूज करते हुए तो आप देखेंगे कि वीडियो का जो आउटरीच है वो डबल होता है ऑलमोस्ट डबल होता है एज कंपेयर टू द पिक्चर्स एज कंपेयर टू द पोस्ट एज कंपेयर टू द बिकॉज फेसबुक लाइक्स वीडियो आसान पब्लिशिंग कॉन्टेंट कोई पैसा नहीं लगता आराम से बात पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है हु स्टॉपिंग यू हुअप योर स्मार्टफोन गेट रेडी बात कीजिए अपनी सर्विस के बारे में याद रखिएगा दोस्तों लाइव स्ट्रीम की इंपॉर्टेंस

अगर आप अपने सर्विसेज के बारे में एज अ फ्री बात नहीं करेंगे तो मैं तो करने से रहा खुद ही करने पड़ेगी ना खुद ही नजरात फेसबुक इतना बड़ा मीडिया में अब आप आपको अंदाजा हो गया होगा जब मैंने आपको पोस्ट के बारे में बताया जब मैंने आपको वीडियोस के बारे में बताया जब मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ यू नो फेसबुक इन पर्टिकुलर विद रिगार्ड्स टू इट्स ऑडियंस ये समझाया अब कोट्स ऑफ टॉपिक कोट्स ऑफ टॉपिक कोट्स का मतलब ये है कि आप वो तमाम एलिमेंट्स बुरेकाल लाते हैं अपने फेसबुक पेज पर जिससे आपके पेज की आउटरीच बेहतर हो जाए ट प्रोफाइल राइट लुक एट यूर पेज राइट जब ये मोटिव हो कि लोग आपके बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा देखें और समझें तो इसके लिए आपको हर हरबा हर वो जादुई चाबी इस्तेमाल करने पड़ेगी जिससे आपके पेज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स आए आपका ज्यादा से ज्यादा सर्विस और या आपका ब्रांड अवेयरनेस हो फ आंसर है आपका तो मकसद यही है ना कि आपकी जो स्किल है आपकी जो सर्विस है आप वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं उनमें से एक तरीका होता है ऑफ टॉपिक कोर्ट्स फॉर पेज अगर आप मेरी स्क्रीन देखें तो मैं आपको सिर्फ गुरु अपने पेज के वैसे बाय द वे मेरे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा सेम गोज फॉर माई प्रोफाइल अगर आप आ, आ, मुझे ई करेंगे मैं ई थोड़ा लेट से रिप्लाई करूंगा अगर आप मुझे फेसबुक प्रोफाइल पर इनबॉक्स करेंगे तो मैं ज़्यादा जल्दी जो आऊंगा तो मैं हर वक्त फसबुक पे हो जनाब ये मेरा पेज है गुरु और इसका एक कोट है विल स्मिथ का ये कोट आपके सामने है मैंने पूरा क्रेडिट दिया पिक्चर यूज़ की उसके साथ उनका कोट डाला ये कोट लोगों को इंस्पायर करता है पीपल बिलीव कि जो बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं उनके मिसाइल को रेजुनेट करते हैं बंदा देख के कहता है, कहता है ये तो मेरे बारे में बात हो रही है और कोर्ट जब आपको इंस्पायर करता है तो आप एक ही काम करते हैं आप उसको एज प्रोफाइल यूजर अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर करते हैं मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे स्टार्ट देखो बीम गुरु के तो आप लाइक्स के सेक्शन में देखिएगा और आप शेयर्स के सेक्शन में देखिएगा मैंने बाखुदा एक रुपया नहीं लगाया इसकी प्रमोशन में ऐसे आपको बेतहाशा कोर्ट्स मिलेंगे बीम गुरु के पेज पर जो शेयर करने से लोग अपनी प्रोफाइल पर डालेंगे उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली जब इस लिंक को देखेंगे इस इमेज को देखेंगे तो वो एन मुमकिन है मेरे पेज को लाइक like कर लें एन मुमकिन है वो मेरे पेज को सी फर्स्ट डू फॉलो में रख लें सो कोर्ट्स एक्चुअली प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन योर पेज प्रमोशन ये कोर्ट दोस्तों मैंने जानबूझ के खोला आपके लिए जाना नहीं कहीं गौर से देखो इसको ये कहता है विल स्मिथ मैन इन ब्लैक किसी तार्लुका का मोताज नहीं हॉलीवुड हीरो हीरोज टू मैनी स्पेंड मनी देव डू बाई थिंग टू इम्प्रेस पीपल दे कि फजूल खर्ची की बात करें अपनी चादर से ज्यादा पाऊँ फैलाना अभी आप फ्रीलांसर हैं आपको कोई जरूरत नहीं है एक बड़े सारे दफ्तर की आपको कोई जरूरत नहीं है ढेर सारे इंप्लॉज की खुद मेहनत कीजिए खुद काम कीजिए अपने घर से काम कीजिए मैंने भी अपने घर से ढेर साल काम किया जब मेरी वर्क प्लेट ग्रो होगी जब मेरे पास बहुत ज्यादा काम हुआ तब मैं कमर्शियल काम करने निकला सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये कोर्ट तमाम लोगों की लाइफ को रेजुलेट करता है उनसे मुताबिक रखता है तो वो इसको शेयर करेंगे आखिर कहीं दो सौ पीपल लोगों ने शेयर किया ना तो आप शेयर करते हैं एक और कोर्ट में आपको दिखाना पसंद करूंगा जैकमा मेरे ऑल टाइम फेवरेट इस कोट में जैकमा के जो शेयर है वो आपके सामने है फेसबुक पेज में ऑफलाइन कोर्ट्स की इंपॉर्टेंस नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कहन मुमकिन है कोई भी कोर्ट कोई भी कहीं भी बात बाय इंस्पिरेशनल लीडर किसी की जनरल लाइफ से मुताबकत रखती हो और जब वो ये कोर्ट देख के समझेंगे कि हाँ ये तो मेरी बात हो रही है तो वो एक ही काम करेंगे भाई आ, नहीं अच्छा दो काम करेंगे एक अदर वो लाइक करेंगे उस कोर्ट को और दूसरा आ, शेयर करेंगे शेयर करने से उनकी प्रोफाइल के सारे लोग देखेंगे और इस तरह आपका ब्रांड अवेयरनेस बनती रहेगी आपके पेज के लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ेंगे सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस फैक्टर को भी देखें कोशिश कीजिए वो कोर्स रखिए जो जनरल लाइफ रिलेटेड हो जो आपकी सर्विस से रिलेटेड हो अगर आपकी कोई भी नीच आपकी कोई भी स्किल सेट है तो उसमें यह तो हो नहीं सकता कि कोई मास्टर या एक्सपर्ट या प्रो ना गुजराओ और यह भी मुमकिन नहीं है कि दो बिलियन फेसबुक यूजर्स में से किसी ने पेज ना बनाया और ये भी मुमकिन नहीं है कि उनके पेज पर उनके कोर्स ना हो और उनके इंस्पिरेशनल बातें ना हो तो भाई दिस इज इट उनके बारे में बात कीजिए अपने पेज पे उनका कोट शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इंकरेज कीजिए कि वो आपके पोस्ट को शेयर करें देखिएगा कितनी जल्दी आपका पेज अपनी आउट रीच आपकी बेहतर हो जाती है